गुड इवनिंग मैम। क्लास को स्टार्ट करने से पहले अपनी प्रेयर कर लेते हैं हम, यस मैम। के बाद हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सभी लोग अपनी आंखें बंद कर लें, 3 बार ओम का उच्चारण करें और आप हमारे साथ भी मंत्र का जाप कर सकते हैं या फिर आप अपना कोई भी मंत्र बोल सकते हैं, ठीक है। 3 बार गहरी लंबी सांसें लें। ॐ भूर्भुवस्सः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। चलिए आज हमारी हम अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे। हमारी जो क्लास है वो है 7 चक्रास के ऊपर। वैसे तो हम सबके जो चक्रास होते हैं बॉडी के अंदर वो 114 चक्र होते हैं, लेकिन सूक्ष्म रूप में हम सिर्फ बॉडी के 7 चक्रास पर काम करते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों ने रेखी सीखा होगा। जब हम लोग रेखी सीखते हैं तो सबसे पहले हम अपनी बॉडी की 24 बॉडी पार्ट्स की हीलिंग करते हैं। 24 बॉडी पार्ट्स की हीलिंग करने का जो हमारा उद्देश्य होता है वो ये होता है कि जब एक बच्चा इस संसार में जन्म लेता है तो वो बहुत न्यूट्रल होता है, बहुत ही मासूम होता है, भोला होता है, इनोसेंट होता है। उसको ये नहीं पता होता छल कपट ये सब कुछ क्या होता है, इसलिए उसके अंदर बहुत ज्यादा ऊर्जा होती है। वो बहुत ही एक्टिव होता है और बहुत ही ऊर्जावान होता है। आप देखेंगे अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है और आप कहीं बाहर से आए हैं, उस बच्चे को देखते ही आपको एक खुशी का अनुभव होगा। उस बच्चे को गोद में लेते ही, गले से लगाते ही एक सुकून की अनुभूति हो। क्यों कहते हैं ना बच्चे भगवान का रूप होते हैं, क्योंकि बच्चों में किसी प्रकार का कोई छल कपट नहीं होता। उनका जो ऊर्जा का जो सूत्र होता है, उनकी जो एनर्जी लेवल होती है वो बहुत ही हाई होती है, इसलिए उनका ऑरा बहुत अच्छा होता है। और जो उसके ऑरा में आते हैं तो हमें एक अच्छी सी फीलिंग आती है, एक खुशी का अनुभव होता है। हम सारे दुख तकलीफों को भूल कर उस खुशी को महसूस करते हैं। लेकिन जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता है, धीरे धीरे वो आसपास के वातावरण को अपने जीवन में अर्जित करता है, आसपास के वातावरण से बहुत कुछ सीखता है, अपने परिवार के वातावरण से सीखता है। कुछ बच्चों का फैमिली एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा होता है, लेकिन कुछ बच्चों का फैमिली एटमॉस्फेयर अच्छा नहीं होता है। और अच्छा हो भी तब भी बहुत सारी चीजों में वो छल कपट को सीखता है, चलाकियां सीखता है। इसकी वजह से क्या होता है, झूठ बोलना सीखता है। धीरे 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 उसका जो ऑरा होता है वो वीक पड़ने लगता है, क्योंकि जो हमारी बॉडी के अंदर 24 बॉडी पार्ट्स जिनकी हम हीलिंग करते हैं वो हमारी जो हीलिंग पार्ट्स है वो हमारी एनर्जी का लेवल होता है। वहां से हम ऊर्जा का केंद्र, सेंटर ऑफ द एनर्जी होती है। तो वो जो हमारे 24 पार्ट होते हैं
वहां धीरे धीरे ब्लॉकेजेस आने शुरू हो जाती है, और जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होने लगता है, जब वो एक व्यस्क मतलब एक यंग एज में आना शुरू होता है, उससे भी बड़ी उम्र में आना शुरू होता है, तो धीरे धीरे उसके वो चीजें, जब वो उन नेगेटिव ऊर्जाओं के बीच में, नेगेटिव ऊर्जा का मतलब ये है कि एक नकारात्मक सोच, छल कपट, झूठ, धोखा, इस तरह की चीजों को जब बच्चा सीखता है, लड़ाई झगड़ा गुस्सा, तो वो सब भी एक तरीके के एक नेगेटिव थॉट्स होते हैं, जिसको हम बोलते हैं नेगेटिव एनर्जी। एक नेगेटिव एनर्जी वो होती है जिसको हम बोलते हैं कि काला जादू वगैरह वगैरह, लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं आपके खुद के अपने अंदर के विचारों की, अपने अंदर की सोच की। तो वहां पर जब हमारे एनर्जी के केंद्र जब हमारे ब्लॉक होने लगते हैं, तब हमको बेसिकली हीलिंग्स की जरूरत पड़ती है। जब हमारे एनर्जी के जो केंद्र हैं, जो हमारे 24 बॉडी पार्ट्स जो होते हैं, जब वो ब्लॉक होने लगते हैं, तो उसका सीधा सीधा असर हमारे 7 चक्रास पे पड़ता है, और हमारे 7 चक्रास ब्लॉक होने लगते हैं। तो इसलिए जब हम रेकी करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग 24 बॉडी पार्ट्स की हीलिंग करते हैं, ताकि जो हमारे बॉडी के जितने भी जो एनर्जी के जो केंद्र है, वो वहां से एनर्जाइज हो और खुलें, और उसके बाद हम 7 चक्रास की हीलिंग करते हैं। इसलिए ताकि हम जब डायरेक्ट ताकि हम जब 7 चक्रास की हीलिंग करेंगे, तो उसका किसी भी तरह का कोई पॉजिटिव या फिर नेगेटिव मतलब पॉजिटिव इम्पैक्ट तो हमारे जीवन पे पड़ेगा ही, लेकिन किसी तरह का कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े, क्योंकि ये ऊर्जा होती है। अगर ये ऊर्जा आपके शरीर के अंदर कम है, तो भी आपको परेशानी करती है, और अगर ये ऊर्जा आपके शरीर में बढ़ जाती है और आपको उसको बैलेंस करना नहीं आता, तब भी वो आपको परेशानी करती है। आपको तो परेशान नहीं करेगी, लेकिन आपके साथ जुड़े हुए लोगों को परेशान करेगी। आप ये सोचो कि अगर आपके अंदर बहुत सारी एनर्जी हो जाए, तो आप क्या करोगे? आप पूरा दिन काम ही करते रहोगे, है ना? बहुत हाई लेवल पे आपकी एनर्जी, उससे आपको तकलीफ नहीं होगी, आपको तो अच्छा ही लगेगा कि आप इतनी एनर्जी हो गई आपके अंदर, आप इतना काम कर रहे हो। लेकिन दूसरे लोगों को परेशानी हो सकती है कि यार ये तो बस जब देखो डिस्टर्ब ही करता रहता है, जब देखो परेशान ही करता रहता है, अभी यहाँ उठा है, अभी वहां, मतलब। इसलिए अगर आपकी एनर्जी लेवल इंक्रीज हो रहा है, तो आपको उसको बैलेंस भी करना आना चाहिए, और इसीलिए हम 7 चक्रा का मेडिटेशन करते हैं, ताकि हमारी एनर्जी जो है वो बैलेंस भी हो, हमारे जो चक्र है वो ऊर्जावान भी हो, और जितने भी नेगेटिव ब्लॉकेजेस है वो सारे हमारे वहां से रिमूव हो जाए। ठीक है, तो आज हम 7 चक्रास के ऊपर बात करेंगे, 24 बॉडी पार्ट्स के ऊपर हम बात नहीं करेंगे, लेकिन मैंने 24 बॉडी पार्ट्स इसलिए बोले क्योंकि उसका उसके साथ में एक कनेक्शन है। तो नॉर्मल तौर पे हमारे जो बॉडी में होते हैं वो 114 चक्र होते हैं, छोटे 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 बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो सूक्ष्म रूप पे हम जिसपे काम करते हैं, वो हमारी बॉडी में 7 चक्रास होते हैं, और एक चक्र जो होता है वो हमारे क्राउन चक्र से 1 फिट ऊपर होता है। ठीक है, लेकिन नॉर्मल हम जब भी कहीं पे पढ़ते हैं, हम देखते हैं, तो हम हमेशा सब जगह 7 चक्रास के बारे में जानते हैं, 7 चक्रास का मेडिटेशन करते हैं, और 7 चक्रास के ऊपर ही काम करते हैं। ठीक है, 7 चक्रास जब हमारी बॉडी के बैलेंस होते हैं, तो क्या होता है, हमारा ऑरा अच्छा होना शुरू हो जाता है। हमारा जैसे जैसे हमारा ऑरा बढ़ता है, हम चीजों को मैनिफेस्ट करते हैं, हम चीजों को अट्रैक्ट करने लगते हैं, हमारी जिंदगी के हर जो प्रॉब्लम होती है वो सॉल्व होती है। एक इंसान को जिंदगी जीने के लिए क्या चीजों की जरूरत है? क्या आप में से कोई मुझे बता सकता है कि एक व्यक्ति को जीवन जीने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें क्या है, क्या चाहिए उसे? मैम, पीस ऑफ माइंड। हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही। अभी आ रही है मेरी वॉइस? जी अब आ रही है मैम। पीस ऑफ माइंड, पीस ऑफ माइंड चाहिए, और क्या चाहिए? उसके अलावा मैम ऑब्वियसली मनी, टू बी इन द मटेरियल वर्ल्ड तो आपको मनी के थ्रू तो चलना ही पड़ेगा, एंड गुड हेल्थ। एक इंसान को जीवन जीने के लिए एक स्वस्थ शरीर, हां जी, रोटी कपड़ा और मकान, दिस बेसिक रिक्वायरमेंट। रोटी कपड़ा मकान,
एक इंसान को जीवन में जीने के लिए तीन चीजें चाहिए होती हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं, और वो होता है आपकी अच्छी हेल्थ पहला नंबर, सेकंड आपके अच्छे रिश्ते, और तीसरा आपके पास पैसा होना चाहिए। अगर ये तीनों ही चीजें इम्बैलेंस हो जाए जीवन में, तो आप अगर इन तीनों चीजों में से भी कोई एक चीज भी इम्बैलेंस हो जाए, सपोज करो आपके पास बहुत पैसा है, सपोज करो आपके पास रिश्ते भी बहुत है, लेकिन आपके पास हेल्थ नहीं है, तो आप उन दो चीजों में आपको प्रॉब्लम आ जाएगी, है ना। अगर आपके पास में अच्छी हेल्थ है, अच्छा शरीर है, अच्छी बॉडी है, आप अच्छा काम कर सकते हो, आपके पास में बहुत सारे आपके रिश्ते भी हैं, बहन भाई परिवार बहुत बड़ा है, बट यू डोंट हैव मनी, अगर आपके पास पैसा नहीं है, तो आपके वो चीजें आप नहीं संपन्न कर पाओगे। और अगर उसको ले लो, अगर आपके पास बहुत पैसा है और आपके पास हेल्थ भी अच्छी है, लेकिन आपके पास कहने के लिए कोई अपना रिश्ता ही नहीं है, हर रिश्तों किसी पर आपको भरोसा ही नहीं है, सब रिश्तों ने आपको धोखा दे दिया है, जिसके साथ भी आप जिस पे भी विश्वास करते हो वो आपको डिच करके चला जाता है, वो आपसे पैसों के लिए आपसे प्रेम करता है या आपसे अपनी सुख सुविधाओं के लिए प्रेम करता है, तो भी तो आप जिंदगी में अकेले ही हो ना। तो जिंदगी को जीने के लिए ये तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक अच्छी हेल्थ, अच्छा पैसा, और हमारे को अच्छी हेल्थ, अच्छा पैसा और अच्छे रिश्ते, और इन तीनों चीजों को आप अपने सेवन चक्रास को बैलेंस करके इन तीनों तीनों चीजों को आप अपने जीवन में आकर्षित कर सकते हैं। जो हमारा जो सेवन चक्रास हमारी बॉडी के होते हैं, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज होती है, जो सबसे पहली जो शुरुआत होती है ना जिंदगी की, वो यहीं से होती है, ठीक है। चलिए, हमारी बॉडी के ये जो सेवन चक्रस होते हैं, रूट चक्र, सैक्रल चक्र, सोलर प्लेक्सस, हार्ट चक्र, थ्रॉट चक्र, थर्ड आई चक्र एंड क्राउन चक्र, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे रूट चक्र की, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, जिसको हम हिंदी में मूलाधार चक्र भी बोलते हैं। इसका जो रंग होता है वो रेड कलर का होता है, और जो इसका बीज मंत्र होता है वो होता है लम, ठीक है। और इसकी जो हमारी लोकेशन होती है वो टेल बोल, जो हमारी टेल बोल होती है वहां पर होती है, और ये जो हमारा एलिमेंट होता है ये हमारा अर्थ का एलिमेंट होता है, ठीक है। ये आप लोग लिख सकते हैं कि ये हमारा अर्थ एलिमेंट है, टेल बोल पर ये हमारा चक्र होता है, और जो इसका रूट बीज मंत्र है दैट इज लम, और इसका जो रंग होता है वो लाल होता है, और ये जो कमल जो इसका फूल है, जो इसके ये आप देख रहे होंगे यहाँ पर जो ये इस तरीके की जो पेटल्स दिख रही हैं, ये चार है, फोर पेटल्स का ये होता है, ठीक है। ये हमारा बेसिक होता है, रोटी कपड़ा मकान, अभी किसी ने क्वेश्चन पूछा था ना, रोटी कपड़ा मकान, जब हमारा ये चक्र इम्बैलेंस हो जाता है तो हमारे अंदर एक इनसिक्योरिटी का लेवल बढ़ जाता है। इनसिक्योरिटी का लेवल यानी कि रोटी कपड़ा और मकान की टेंशन हमारे जीवन में आ जाती है हमारे, मतलब ज्यादातर अगर आप देखेंगे ना तो 70% लोगों का ये चक्र से वो ऊपर उठ ही नहीं पाते। और आपको पता है ये चक्र हमारा, मतलब हमको अर्थ के साथ, जिन पे लोगों का ये चक्र बैलेंस नहीं है उनको जमीन पे चलना चाहिए, उनको जमीन से जुड़ी हुई चीजों को ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, और नंगे पैर घास पे चलना चाहिए। इस तरीके से भी आप इस चक्र को थोड़ा सा खोल सकते हैं, मतलब इस चक्र को बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। और जो इस चक्र के जो देवता है वो होते हैं हमारे गणेश जी, आप गणेश जी का मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं इस चक्र को खोलने के लिए, इस चक्र को बैलेंस करने के लिए, एनर्जाइज करने के लिए, ठीक है।
जब ये चक्र हमारा ब्लॉक हो जाता है तो क्या होता है, इस चक्र को ब्लॉक करने के बाद जो जैसे मैंने बोला कि आपको फिजिकली नीड रोटी कपड़ा मकान से ऊपर आप सोच नहीं सकते, इनसिक्योरिटी का लेवल आपके पास बढ़ जाता है, बिजनेस में अप एंड डाउन आते हैं, और बहुत सारे लोगों को पैरों में बहुत दर्द होता होगा, है ना, घुटनों में दर्द की प्रॉब्लम, पैरों में दर्द की प्रॉब्लम, आपकी थाइज में दर्द की प्रॉब्लम, ये सारी जो चीजें होती हैं, लोअर बैक में बहुत ज्यादा पेन होना, ये सब कुछ जो होता है वो हमारे को इसी चक्र के माध्यम से होता है। अगर ये चक्र हमारा ब्लॉक हो जाए तो हमें ये सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। बहुत सारे लोगों को देखेंगे कि बेबी होने में भी प्रॉब्लम होती है, तब भी हमारा जो रूट चक्र, सैक्रल चक्र, इन दोनों चक्र के अंदर जब डिसबैलेंस हो जाता है ये चक्र, तो वहां पर हमें ये प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। इस चक्र का मैंने जैसे आपको बोला कि बीज मंत्र जो है वो नम है, इसी साथ में इस चक्र का आपको ये बताना चाहूंगी कि इसका एक स्विच वर्ड आता है और वो होता है होम। अगर आप बीज मंत्र नम का उच्चारण नहीं कर सकते तो आप इसके स्विच वर्ड होम को भी चैंट कर सकते, ठीक है। इसका जो हमारा बीज मंत्र है होम, और आप इसका एक हीलिंग कोड में आपको दे रही हूं, आप वो लिख सकते हैं 1323251, 1323251, उसको आप अपने किसी भी बॉडी पार्ट पर किसी भी पेन से लिख सकते हैं। क्लियर? एक बार मैडम दोबारा बोलेंगे, एक बार 1 3 2 3 2 5 1 2 5 1, ये हमारे रूट चक्र को बैलेंस करने में। मैम लेफ्ट साइड लिखना है कि राइट साइड लिखना है? बॉडी पार्ट के किसी भी पार्ट पे लिख सकते हो, अगर आप लेफ्ट हैंडी हो तो राइट हैंड पे लिख, राइट साइड पे लिखोगे, राइट हैंडी हो तो लेफ्ट साइड पे लिखोगे, है ना। ऐसा कुछ किसके लिए है? रूट चक्र। अच्छा, ओके ओके, थैंक यू। अब हम नेक्स्ट चक्र पर आते हैं, सैक्रल चक्र। और मैम इसका आपने वो क्या बताया था, स्विच वर्ड क्या बताया था? होम, HOME, HOME। और इनके जो देवता होते हैं वो होते हैं गणेश जी, श्री गणेश जी। आप श्री गणेश जी का जाप भी कर सकते हो रोज 109 माला। मैम ये स्विच वर्ड को कैसे यूज करना है इसमें? स्विच वर्ड को आपने ऐसे यूज करना है, आपने स्विच वर्ड को जैसे आपने मॉर्निंग में, या आप दिन में 4 बार कर सकते हो या दिन में 1 बार भी कर सकते हो। जैसे आपने बोला होम 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 7 times, 7 बार 1 बार में बोल के उसको 4 times बोलना है। जैसे होम 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 होम। क्लियर? टोटल 28 times हो गया, उसको आपने 7 parts में डिवाइड कर दिया। 7 बार एक सांस में बोले, 2 1 second रुक के, फिर 7 बार एक सांस में बोले, फिर 1 second रुक के, फिर 7 बार एक सांस में बोल के, 1 second रुक के, फिर 7 बार एक सांस में बोला, ऐसे आपके 28 times हो जाए। ठीक है, कोई भी स्विच वर्ड हो उसको आपने ऐसे ही चेंज करना है। क्लियर? और अगर किसी को बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम है इस चक्र के अंदर, तो वो इसका इस तरीके का आपको नेट पर इस तरीके की आपको इनकी फोटोग्राफ्स मिल जाएंगी, नहीं तो जब आपके पास ये रिकॉर्डिंग आएगी यहीं से आप इसको निकाल लेना, और उसको आप एक जो भी आपका पानी का, जिस पे भी आप पानी पीते हैं उस ग्लास के नीचे या फिर ऊपर इसको लगा दीजिएगा। ठीक है, कोशिश करिएगा कि कांच का ग्लास ही यूज करें, और अगर आप मिट्टी के बर्तन में पानी भर के रखते हैं तो जो मिट्टी के बर्तन का जो ढक्कन होता है तो वहां पर इसको चिपका दीजिए अंदर की तरफ। समझ में आई ना मेरी बात? जैसे ये मिट्टी का बर्तन आप उस पर रखेंगे ना, तो यहाँ अंदर की तरफ चिपका के इसको उसके ऊपर रख दीजिए, इससे क्या होगा उसकी सारी वाइब्रेशंस आती जाएंगी पानी के अंदर। क्लियर? मैम कौन सा मंत्र बोला आपने, वो पानी के, वो वहां पर पानी के लिए?
नहीं अभी बॉटल में अभी बोला ना वो अभी रख ये लम लम की पिक्चर पेस्ट करके ओके ये बीज मंत्र है ना उसका भाई मैडम 109 बार क्यों 108 बार क्यों नहीं नॉर्मली तो हम 108 बार ही करते हैं 108 बार ही होता है क्योंकि 108 बार का लॉजिक है 109 बार का कोई लॉजिक नहीं है 108 बार का लॉजिक क्या है बताइए 27 नक्षत्र हाँ जी बोलिए 27 नक्षत्र चार चरण और कितना हुआ 27 × 4 यहाँ पे जो लोग बैठे 108 राइट हाँ जी एक अपने लिए जो नौवा नंबर है नौवा जो है ना वो तो हमारा हो गया जो नौवा है वो सिर्फ हमारे लिए हमारी आत्मा के लिए नहीं नहीं आत्मा नहीं है लॉजिक मेरे को लॉजिक बताइए ओके मैं लॉजिक के बिना लॉजिक यही है कि 109 है मैं लॉजिक के बिना काम नहीं करता मेरे अगर आपको लॉजिक अगर आपको लगता है कि नहीं तो आप 108 बार का लिए एक हाँ। अपने लिए होता है ना एक अपने लिए एक हमारे खुद के लिए देखो 12 जोडियक साइन और 9 प्लेनेट 12 × 9 108 होता है ना देखो लॉजिक तो यही होता है कि आपका 108 हो गया लेकिन 109 जो एक बचा वो हमारे अपने लिए अगर आपको नहीं उसमें सेंस आती आपको लगता है कि नहीं आप अपने उसके हिसाब से चलते हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से चलते हैं तो आपको अपना 108 बोलिए लेकिन एक जो होता है ये मेरा अपना खुद का बनाया हुआ है कि एक हमारे अपने लिए क्या बोलना है ठीक है ओके मंत्र कोई भी मंत्र जाप करो और मैम मैम स्विच वर्ड इसका मैम लम है कि होम है मैम मैम स्विच वर्ड है वो है होम होम एच ओ एम ई इसका स्विच वर्ड है होम और जो इसका हीलिंग कोड है वो है 1 3 मैम हीलिंग कोड नहीं पूछ रही मैम लम पूछ रही हूँ लम जो है वो इसका मैं आपको सारा बता रही हूँ लम जो है वो इसका बीज मंत्र है और जो स्विच वर्ड है वो इसका होम है और जो हीलिंग कोड है वो है 1 3 2 3 2 5 1 लिख लिया ये 1 3 2 मैम फर्क क्या है बीज मंत्र में और स्विच वर्ड में कोई फर्क नहीं है आपको जो ईजी लगे आप वो करो जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हम लम का उच्चारण करते हैं लम होम को मैंने आपको बोला कि आप एक बार ऐसे बोल दो फर्क तो कुछ भी नहीं है आप कुछ भी करो आप देसी दवाई खाओ आप आयुर्वेदिक दवाई खाओ होम्योपैथिक दवाई खाओ आप कोई भी दवाइयां खाओ आपको क्या चीज सूट होती है मैम इसे बताया आपने आपको क्या चीज सूट होती है ना अब कई लोग होते हैं नहीं करते हैं वो ये उनको होम बोलना आसान लगता है कई लोगों को कुछ भी करना पसंद नहीं है तो वो सिंपल हीलिंग कोड लिखना ही पसंद करते हैं है ना लेकिन आप जितना मेडिटेशन करोगे उतना आपके लिए अच्छा है ये सब के लिए नॉट ओनली फॉर यू एवरीवन ठीक है मैम अगर जैसे फोकस नहीं है या किसी चीज में कुछ ना मन नहीं लगता करने में है ना पहले हम वो स्टेबल नहीं रहता है लाइक मन एक जगह टिकता नहीं है तो मैम कौन सा चक्र वीक होता है उसमें ये बताएंगे आपको देखो आप पहले ये करो फिर मैं आपको सारा कुछ बताऊं ठीक है ना मैंने बोला ना जैसे कि इनसिक्योरिटी की फीलिंग अगर आपके अंदर है डर की भावना आपके अंदर है बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन है आपके अंदर गुस्सा है बहुत ज्यादा तो आपका ये चक्र ब्लॉक है ठीक है आपको इस चक्र पे काम करना चाहिए ठीक है इसके बाद है हमारा नेक्स्ट चक्र है सैक्रल चक्र इसको हम हिंदी में स्वाधिष्ठान चक्र भी बोलते हैं सैक्रल चक्र का जो कलर होता है वो ऑरेंज कलर का होता है इसका जो हमारा हिंदी में जो हम इसको मंत्र यूज करते हैं वो हम करते हैं वम वम मंत्र हम इसका जो हमारा बीज मंत्र है दैट इज वम और जो हम इसको उसमें बोलते हैं इसका जो स्विच वर्ड है वो है स्वीट ये लिख लीजिए आप इसका बीज मंत्र है वम इसका जो स्वीट इसका जो स्विच वर्ड है वो है स्वीट और जो इसका हीलिंग कोड है वो है हमारा 2 4 2 8 1 3 1 2 4 2 8 1 3 1
मैम ये स्विच वर्ड है उस थिंग है स्विच वर्ड क्या मैम इसका स्वीट समझ आया मुझे क्या बोला आपने स्विच वर्ड क्या है मैडम इसका स्विच वर्ड है स्वीट स्वीट एस डब्ल्यू डबल ई स्वीट क्लियर चलिए अब देखिए ये इसका जो हमारा एलिमेंट होता है डेटी कौन है डेटी सॉरी डेटी कौन है इसके क्या बोला आपने डेटी डेटी आप सॉरी मतलब इसके जो लॉर्ड हैं बेसिक अच्छा अच्छा लॉर्ड हाँ वो मैं आपको बता रही हूँ सारा कुछ मैं आपको बताऊंगी जी इसके जो लॉर्ड होते हैं वो हमारे इंद्रदेव हैं इंद्रदेव हैं इसके लॉर्ड क्योंकि ये हमारा वाटर एलिमेंट है ठीक है ये हमारा वाटर एलिमेंट है इसलिए इसके जो लॉर्ड है वो हमारे इंद्रदेव है और ये हमारे नाभि से 2 इंच नीचे होता है ठीक है और जिन लोगों का और इसकी 6 पेटल्स होती है अगर आप इसकी काउंट करेंगे ना देखिए आपको 6 पेटल्स आप देखेंगे ना ये 6 पेटल्स है ये देखिए 1 2 4 5 6 इसकी 6 पेटल्स है ऑरेंज कलर का होता है इसके इंद्रदेव होते हैं और इसके जो वाटर एलिमेंट ये वाटर एलिमेंट है इसलिए इनके इंद्रदेव होते हैं ठीक है और अगर किसी को इस चीज इसकी कमी है तो ज्यादा से ज्यादा वाटर अपनी बॉडी में कंज्यूम करें क्योंकि आपको वाटर की कमी की वजह से भी ये चक्र जो होता है वो इम्बैलेंस हो जाता है या फिर अगर ये चक्र आपका इम्बैलेंस है तो आप देखेंगे आपको प्यास कम लगेगी आप पानी कम पियेंगे तो इसलिए और जिन लोगों का ये चक्र इम्बैलेंस होता है वो लोग बहुत ज्यादा मतलब उनको आप कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा मतलब उदास तो सब होते हैं ना लैक ऑफ एनर्जी उनके अंदर काम करने की बिल्कुल क्षमता नहीं होती और सारे दिन उनका दिल करता है कि वो बस सोते रहें ठीक है भूख भी ज्यादा लगेगी उनका अपनी भूख पे कोई कंट्रोल नहीं होगा उनका अपनी नींद पे कोई कंट्रोल नहीं होगा उनको बहुत नींद आएगी और साथ में ही जो बहुत ज्यादा हर वक्त उनका जो दिमाग होता है ना वो सेक्स की तरफ चलता है अगर ये चक्र उनका इम्बैलेंस है ठीक है तो बहुत ज्यादा और वो लोग बिल्कुल भी क्रिएटिव नहीं होते बहुत ही मतलब कहते हैं ना कि एक मतलब अगर बहुत बड़ी महफिल है तो महफिल के अंदर अपने आप को कहीं ना कहीं अकेलापन उनको महसूस होता है वो लोगों के साथ घुल मिल नहीं पाते अगर उनका ये चक्र ब्लॉक होता है लोगों के साथ फ्रेंडली रिलेशनशिप नहीं बना पाते उनके अंदर कॉन्फिडेंस की बहुत ज्यादा कमी हो पाती है ठीक है और उनकी जो सेंसेस होती है ना वो ढंग से काम ही नहीं कर पाते उनको कुछ समझ ही नहीं आता कि वो क्या करें क्या ना करें ठीक है अगर उनका ये चक्र ब्लॉक है लेकिन अगर उनका ये चक्र अनब्लॉक सॉरी अगर उनका ये चक्र एक्टिव है तो वो लोग बहुत ही क्रिएटिव होते हैं वो बहुत ही क्रिएटिव होते हैं और महफिल की जैसे कहते हैं कि जान होते हैं लोगों के साथ उनका बहुत अच्छा दोस्ताना बहुत अच्छा फ्रेंडशिप जहाँ जाते हैं लोगों को अपना फ्रेंड बना लेते हैं और बहुत ही हसमुख पर्सनैलिटी होती है जिनका ये चक्र जो होता है एक्टिव होता है साथ ही जैसे मैंने बोला कि अगर जिनका ये चक्र इम्बैलेंस होता है तो उनका ये सब जो वो बहुत ज्यादा उनका जो ध्यान होता है या तो वो सेक्स में रहेंगे या तो वो बिल्कुल उस चीज से दूर हो जाए ठीक है तो यही कहना चाहते हैं कि जो भी चीज है इस संसार के अंदर वो होनी जरूरी है लेकिन वो एक बैलेंस तरीके से होनी जरूरी है ठीक है तो जिनका ये चक्र या तो वो बहुत ज्यादा उस तरीके के चले जाएंगे या तो वो बिल्कुल ही इस चीज से बिल्कुल अपोजिट मिलेंगे ठीक है और मैंने आपको बताया इनके जो लॉर्ड है वो इंद्रदेव है और इस चक्र जिनका भी ये चक्र में अनबैलेंस है तो वो लोग बहुत पानी पानी का इस्तेमाल करें वाटर एलिमेंट की चीजें दूध पिए दूध का दान करें इस तरह का वो काम कर सकते हैं ठीक है और जब ये चक्र आपका ब्लॉक होता है तो आपको किडनी में प्रॉब्लम आ सकती है किडनी में कमजोरी आ सकती है कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो सकती है और यूरिनरी ब्लैडर में आपको प्रॉब्लम आ सकती है लार्ज इंटेस्टाइन में आपको प्रॉब्लम आ सकती है किडनी जैसे मैंने आपको बोली दिया वहां पर आपको प्रॉब्लम हो सकती है आपको बहुत अपने आपको स्टिफनेस महसूस होती होगी जैसे बहुत सारे लोग होते हैं उनको बहुत स्टिफनेस होती है ऐसा लगता है बॉडी में
स्टिफनेस है, लोअर बैक में बहुत ज्यादा अकड़नपन है, तो वो सब चीजें इस चक्र के ब्लॉक होने की वजह से होती है। तो अब हम आज हम जो भी हीलिंग सीखेंगे उसमें हम सीखेंगे मेडिटेशन सीखेंगे और आप उसको रेगुलर अपनी लाइफ में यूज उसको कर सकते हैं ताकि आपका ये चक्र जो है वो बैलेंस हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आ गया मणिपुण चक्र जिसको हम सोलर प्लेक्सस भी बोलते हैं। आप इसके पहले आपने कौन से बताया था, पहले वाला सैक्रल, सैक्रल चक्र था ना, सैक्रल चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र भी बोलते हैं उसको हिंदी में, सैक्रल चक्र है। आप इसकी पेटल्स को काउंट करें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 पेटल्स होती हैं इस चक्र के अंदर। और इस चक्र का जो रंग होता है वो येलो कलर होता है। इसका जो हमारा हिंदी का मंत्र होता है वो होता है राम, ठीक है। इंग्लिश का मंत्र होता है ज्वेल, JEWEL, ज्वेल, ठीक है, JEWEL। और जो इसका हीलिंग कोड है, सोलर प्लेक्सस का जो हीलिंग कोड है वो है हमारा 8003011, 8003011, ठीक है। और जो इसकी लोकेशन है वो हमारा स्टमक, नेवल से, हमारे नेवल से 2 इंच ऊपर, जो हमारी सैक्रल चक्र था उसका हमारा नेवल से 2 इंच नीचे, और जो हमारा सोलर प्लेक्सस है ये हमारा नेवल से 2 इंच ऊपर। स्विचवर्ड क्या बताया, ज्वेल, हाँ जी ज्वेल, JEWEL। और जो ये एलिमेंट होता है ये होता है हमारा अग्नि तत्व, फायर एलिमेंट होता है ये, ठीक है। और जो इसके लॉर्ड होते हैं ना वो होते हैं ब्रह्मा जी, सरस्वती जी को भी हम मानते हैं, जो इसके लॉर्ड होते हैं वो ब्रह्मा जी होते हैं। मैम स्टडीज के लिए कर सकते हैं, स्टडीज के लिए भी अभी बताएंगे आपको क्या करना है। ओके, ठीक है। इससे रिलेटेड जो हमें बीमारियां हो सकती हैं वो हमारे को लीवर में प्रॉब्लम आ सकती है, स्टमक में प्रॉब्लम आती है, गॉल ब्लैडर में प्रॉब्लम आती है, स्मॉल इंटेस्टाइन। देखिए जब हमारे सैक्रल चक्र में मैंने आपको बताया था लार्ज इंटेस्टाइन, और सैक्रल और सोलर प्लेक्सस में स्मॉल इंटेस्टाइन, पैनक्राइज में हमको प्रॉब्लम आ सकती है। जिनके भी ये चक्र हमारे ब्लॉक होते हैं उनको ये सारी प्रॉब्लम्स आ सकती है। इसके जो फंक्शंस होते हैं वो होते हैं सेंटर ऑफ पर्सनल पावर्स, हमारी जो भी मतलब पर्सनल पावर मतलब हमारी जो इच्छा शक्ति होती है वो हमें इसी चक्र से मिलती है। हमारा अगर ये चक्र बैलेंस है तो हम अपनी इच्छा शक्ति को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब ये हमारा जो चक्र होता है ये हमारा ईगो से रिलेटेड भी होता है। अगर हमारे ये चक्र अनबैलेंस है तो हमारे अंदर ईगो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होगी, ठीक है। अगर ये चक्र हमारा इनबैलेंस है तो हमारे को बहुत गुस्सा आएगा, ठीक है। और अगर ये चक्र हमारा बैलेंस है तो हमारी इच्छा शक्ति बहुत अच्छी होगी, हम जो चाहें उसको अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं। ये हमारी जो बॉडी का जो सेंटर पार्ट ऑफ द बॉडी, जो हमारा नेवल होता है, दैट इज अ सेंटर पार्ट ऑफ द बॉडी, और ये वहीं उसका स्वामी आप उसको कह सकते हैं। सोलर प्लेक्सस हमारी बॉडी में एक इम्पॉर्टेंट चक्र होता है जो कि हमारे को जीवन में सारी सुख सुविधाओं को प्रदान करता है, रोटी कपड़ा मकान, और जो मैंने आपको बताया तीनों चीजें, एक अच्छा जीवन, एक अच्छे रिश्ते और अच्छी अच्छा पैसा हमको यहाँ से मिलता है, क्योंकि ये हमारे इच्छा शक्ति का केंद्र होता है, हमारे शरीर का बॉडी का सेंटर पार्ट ऑफ द बॉडी होता है सोलर प्लेक्सस, ठीक है। और जिन लोगों का ये अनबैलेंस होता है उनको डाइजेस्ट करने में डिफिकल्ट होता है, उनको लीवर में प्रॉब्लम होती है, उनको डायबिटिक, जो लोग ज्यादातर डायबिटीज आजकल बहुत कॉमन सी बीमारी हो चुकी है, उनको डायबिटीज हो जाती है, उनको फूड एलर्जी, क्योंकि ये स्टमक से रिलेटेड होता है और इसका जो एलिमेंट है वो फायर एलिमेंट है, तो उनको फूड एलर्जी बहुत जल्दी हो जाती है, ठीक है। और बॉडी में जैसे कि पेन रहना, स्किन डिजीजेस बहुत ज्यादा ऐसे लोगों को होती है, ठीक है।
इसके बाद हमारा आता है हार्ट चक्र। हार्ट चक्र का जो कलर होता है वो होता है हमारा ग्रीन, और ये हमारे हार्ट में होता है, हमारे हार्ट स्पेस की जो जगह है, प्लेस है, वो हमारे हार्ट में। इसका जो मंत्र है वो है यम। हमारा जो हिंदी मंत्र है वो है हमारा यम। इंग्लिश मंत्र अगर हमें बोलना है तो हम बोलेंगे लव, LOVE लव, और जो इसका हीलिंग कोड है वो है हमारा 5456821, 5456821। इसको आप अपने किसी भी बॉडी के लेफ्ट पार्ट पे या राइट पार्ट पे लिख सकते हैं किसी भी पेन से। अगर आपको लगता है कि आपको इस चक्र में ज्यादा प्रॉब्लम है तो आप इसको किसी भी पेन से अपने उस बॉडी पार्ट पे लिख सकते हैं। अब देखिए, अगर किसी को इसका जो लोकेशन है मैंने बताया हार्ट होता है, ये एक हमारा एयर एलिमेंट होता है, और जो इसके लॉर्ड है वो है हमारे विष्णु जी और महालक्ष्मी। ठीक है, विष्णु जी और महालक्ष्मी। अगर किसी का ये चक्र बैलेंस नहीं है तो वो बहुत ज्यादा उसके अंदर इमोशनली वो बहुत ज्यादा वीक होगा। किसी भी प्रकार की जो नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं, जैसे कि आजकल के जो हमारे होली के दिन चल रहे, लोग वो करते हैं, टोटके करते हैं चौराहों पर इधर उधर, अगर आपका हार्ट चक्र बैलेंस नहीं है और आप ऐसे कहीं पे भी चले जाते हैं, तो जो भी नेगेटिव एंटिटी, जिसको हम बोलते हैं नॉट नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव एंटिटी जो होते हैं वो आपके ऊपर अटैक कर सकती है। इसलिए क्योंकि ये हमारा बहुत ज्यादा इमोशनल भावुक चक्र होता है, कमजोर, जो कि हम आप देखेंगे जो लोग बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं, छोटी छोटी बातों पर रोने लग जाते हैं, वो लोग अंदर से बहुत कमजोर होते हैं। तो कमजोर व्यक्ति के ऊपर वो एंटिटी सबसे ज्यादा अपना प्रभाव डालती है, तो इसलिए ये चक्र बहुत ही हमारा इम्पोर्टेंट है। वैसे तो हमारी बॉडी के सारे चक्रास ही इम्पोर्टेंट होते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया कि इस चक्र को अगर कमजोर होता है तो इस तरीके की नेगेटिव एंटिटीज आपके ऊपर जल्दी से अटैक कर सकती है। जिसका भी ये चक्र अनब्लॉक होता है उसको अपने जीवन में प्रेम की बहुत कमी महसूस होती है, या तो वो किसी से बहुत प्रेम करता है या तो वो प्रेम करता ही नहीं। प्रेम इसलिए करता है क्योंकि वो बहुत ही इमोशनल होता है, उसको हर किसी से प्रेम हो जाता है, वो सबके साथ सबको अपना समझने लगता है, और फिर जब उसको वहां से धोखा मिलता है तो वो बहुत डिप्रेस हो जाता है इंसान। ठीक है, वो बहुत ही सेंसिटिव होता है, और सेंसिटिव होने के कारण जो होता है ना उसका माइंड, उसका दिमाग भी ढंग से काम नहीं करता, उसको अपने उसको समझ ही नहीं आता कि वो क्या डिसीजन ले क्या नहीं ले, क्योंकि वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है। उसे बात बात में सॉरी कहने की बहुत आदत होती है, ऐसे लोग बात बात पे अपनी गलती मानते रहेंगे, सॉरी सॉरी सॉरी, इसलिए ताकि किसी को बुरा ना लगे, सामने वाले को बुरा ना लगे, कहीं वो मुझे छोड़ के ना चला जाए, इस चीज का हर वक्त उनके मन में डर रहता है। ठीक है, और ऐसे लोगों को सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आती है वो हार्ट अटैक की आती है, हाई ब्लड प्रेशर, ऐसे लोगों के अंदर हाई ब्लड प्रेशर की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है, नींद की प्रॉब्लम, ऐसे लोगों की नींद अक्सर डिस्टर्ब रहती है, सांस आप देखेंगे जो लोग जिनका भी हार्ट चक्र ब्लॉक होगा ना वो बहुत छोटी सांसें लेते हैं, और वैसे अगर आप देखेंगे ना आज के टाइम में लोग बड़ी छोटी छोटी सांसें लेते हैं, जैसे आप अगर सीढ़ी चढ़ेंगे ना तो आपको एकदम से सांस चढ़ने लग जाएगी, क्यों, क्योंकि आप जब छोटी छोटी सांसें लोगे ना तो वो फटाफट आपको सांस लें, अगर आप वही गहरी लंबी सांसें लोगे, नाभि से सांस लोगे तो आपको जल्दी से सांस नहीं चढ़ेगा, लेकिन जिनका हार्ट चक्र ब्लॉक होता है ना उनको एकदम सांस चढ़ना शुरू हो जाता है, सांसों की प्रॉब्लम आने लगती है। इसके लिए आप जो कपाल भारती का योगा, जैसे मैंने आपको बताया कि अभी जो हमने पहले हमने जो चक्र इससे पहले जो हमने सीखा था सोलर प्लेक्सस, इसमें भी आप कपाल भारती को यूज कर सकते हैं, इसमें भी आप कपाल भारती को यूज कर सकते हैं, अलोम विलोम का आप इसमें वो कर सकते हैं योगा। अलोम विलोम करने से जैसे गहरी लंबी सांसें लेते हैं ना और फटाफट सांसें लेते हैं ऐसे ऐसे लेते हैं, तो उसमें आपको बहुत इसमें बेनिफिट मिलता है अपने इस चक्र को एनर्जाइज करने के। ठीक है, अब हम नेक्स्ट आते हैं
मैडम इसका जो नंबर था वो यही था ना, एक बार कंफर्म कर देंगे, 5456841 राइट, 821 821 ठीक है मैडम, ओके। और जिनका ये चक्र अच्छा होता है, बैलेंस होता है, उनके अंदर बड़ी स्थिरता होती है, उनको पता है कि कहाँ पर कितना किसके साथ हमें प्यार करना है और नहीं करना है, कितना इमोशनली हमें किसी के लिए अटैच्ड होना है या फिर नहीं होना है। ऐसे लोगों का स्पिरिचुअलिटी में भी वो बहुत अच्छे लेवल पे काम कर पाते हैं, क्योंकि उनके अंदर मोह माया से वो लोग दूर हो जाते हैं, उनको चीजों में उनका बैलेंस आनी शुरू हो जाती है। ऐसे लोग बड़े ही स्थिर हो जाते हैं अपनी लाइफ के अंदर, ठीक है। तो इसलिए ऐसे लोग स्पिरिचुअलिटी में आप बहुत अच्छा आगे बढ़ पाते हैं, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी के लिए आपको स्थिर होना बहुत जरूरी है। अगर आप स्थिर नहीं है तो फिर आप वहां पे नहीं जा सकते, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा थ्रॉट चक्र। थ्रॉट चक्र हमारा गले में होता है, गले के पीछे बैक साइड पे, सारे हमारे यहाँ पे ऐसे केंद्र होते हैं ऊर्जा के, लेकिन हम उसको बोलते यही है कि वो हमारे थ्रॉट के अंदर है। इसका जो रंग होता है वो स्काई ब्लू होता है। इसका जो कलर होता है वो हमारा स्काई ब्लू होता है, और जो इसका जो मंत्र होता है वो होता है हम, और इसकी लोकेशन हमारी गले में होती है, और ये भी हमारा एयर एलिमेंट होता है, ठीक है। और ये हमारा जो फंक्शन होता है इसका, वो कम्युनिकेशन करने का हमारा फंक्शन होता है। कई लोग जिनका ये चक्र बैलेंस होता है वो बहुत अच्छा बोलते हैं, ज्यादातर जितने भी टीचर्स होते हैं ना, ज्यादातर टीचर्स बहुत, मतलब मैंने ऐसा देखा है कि ज्यादातर टीचर्स का जो होता है ये चक्र अच्छा होता है, लेकिन जो टीचर्स का ये चक्र अच्छा नहीं होगा वो ज्यादा अच्छा कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, वो ज्यादा बोलेंगे नहीं क्लास के अंदर, ज्यादा अच्छे से चीजों को एक्सप्लेन भी नहीं कर पाएंगे अगर उनका ये चक्र ब्लॉक है तो। इसलिए जितना मतलब जो लोग टीचर्स होते हैं उनका ज्यादातर ये चक्र अच्छा होता है। अपनी बात को ना कहने पाना, अगर ये चक्र आपका ब्लॉक हो जाता है तो आप अपनी बात को नहीं कह पाते लोगों के सामने। आपकी जैसे कहते हैं ना, शब्द तो होते हैं आपके पास, लेकिन आप उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते अपनी फीलिंग्स को, तो इस वजह से आपका ये चक्र इम्बैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से आपको थायराइड जैसी बीमारी हो जाती है। आजकल ये बहुत ही कॉमन बीमारी है थायराइड, ठीक है। इसकी वजह से आपको ईयर्स में भी इन्फेक्शन होता है, बहुत लोगों को आप देखेंगे जरा सी मतलब बहुत जल्दी नजला खांसी जुकाम होता है। अगर आपका हार्ट चक्र भी इम्बैलेंस है ना, तो नजला खांसी जुकाम आपको बार बार होगा, और थ्रॉट चक्र इम्बैलेंस है तो बार बार आपके कानों में इन्फेक्शन हो जाएगा, स्किन के अंदर इरिटेशन होनी शुरू हो जाती है, गले में दर्द रहने लग जाता है, और आपकी कमर में दर्द रहने लगता है जिन लोगों का ये चक्र इम्बैलेंस होता है। और जिन लोगों का ये चक्र बैलेंस होता है वो लोग बहुत अच्छा कम्युनिकेट करते हैं, जैसे कि टीचर्स हो गए, जैसे कि ये हो गए मीडिया पर्सनैलिटीज हो गए, जो म्यूजिक में आ गए, जो लोग अच्छे म्यूजिशियंस होते हैं उनका ये चक्र बहुत अच्छा होता है, जो लोग किताबें लिखते हैं उनका चक्र बहुत अच्छा होता है, जब उनका चक्र बहुत अच्छा होता है तो वो उसमें अच्छे राइटर बन सकते हैं। ज्यादातर ये चक्र उन लोगों का ब्लॉक होता है जो लोग बहुत झूठ बोलते हैं, छोटी छोटी बातों पे वो लोग झूठ बोलना बोलते हैं, तो उनका ये जो चक्र होता है वो ब्लॉक होता है। अगर आप इस चक्र को अपना अच्छा बनाना चाहते हैं तो झूठ बिल्कुल ना बोले अपने जीवन में, ठीक है। झूठ इसलिए बोलना पड़ता है कई बार कि जैसे मैंने बोला कि हम अपनी बात को ढंग से नहीं कह पाते हैं, अपनी बात हम बोलना तो बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन शब्द यहाँ रहते हैं, क्योंकि हम डरते हैं कि अगर हमने ये बात बोली तो कहीं हमारी इस बात का ये रिएक्शन ना हो जाए या वो रिएक्शन ना हो जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका हार्ट चक्र भी इम्बैलेंस होता है, ठीक है। तो जब हम सेवन चक्रास की पूरी हीलिंग करते हैं ना, तो हमारी बॉडी के पूरा नीचे से लेकर ऊपर तक सारे चक्रास जब बैलेंस होने शुरू हो जाते हैं तो हमारी, आप खुद ही देखेंगे जिंदगी में कितना लाइफ चेंज हो जाती है इंसान की। इसका जो मंत्र है वो है हम, इसका जो हमारे जो देवता है वो होते हैं हमारे शिव जी। आपको पता होगा ना कि ये दो उसमें बना होता है, जब शिव जी ने उसको ग्रहण किया था विष को,
तो अमृत और विष दोनों चीजें, अमृत तो देवी देव देवी देवताओं ने पिया था, उसको जहर को भी शिव जी ने अपने अंदर लिया था, तो यहाँ पर आकर उनका वो बन गया था। तो इसके जो लॉर्ड हैं वो हैं हमारे शिव जी, और इसके जो स्विच वर्ड है वो है हमारा आई एम। और जो इसका स्विच वर्ड, जो हीलिंग कोड है, सॉरी हीलिंग कोड है 7774089, 7774089। क्लियर? चलिए अब हम जाते हैं हमारे नेक्स्ट। 7774089। हाँ जी, 7774089। ठीक है मैम, स्विच वर्ड प्लीज रिपीट करेगा, नहीं समझ में आया। आई एम, जैसे बोलते ना आई एम अ गर्ल, तो आई और ए एम एम। बाद है हमारा, अच्छा मैंने आपको बताया था ना उसमें कितनी पेटल्स होती है, उसमें 16 पेटल्स होती है, उसका कलर स्काई ब्लू, उसमें 16 पेटल्स होती है। अब हमारा आता है थर्ड आई के अंदर हमारी, मैडम मेरे को एक पूछना है। हेलो, पूछिए ना। आपने बताया थायराइड, तो थायराइड अक्सर लेडीज को क्यों होता है, जेंट्स को क्यों नहीं होता? एवरेज देखी जाएगी तो लेडीज को ज्यादा होता है, ठीक है। अब इसका बहुत, हाँ इसका आंसर बहुत बड़ा है। अब इसका आंसर क्या दिया जाए, लेडीज सबसे ज्यादा सफर करती है अगर आप देखा जाए, जेंट्स कम सफर। नहीं, लेडीज जो है ज्यादा दबती है निके में, ससुराल में। सफर मतलब यही कि वो ज्यादा सहती है, मैंने यही बोला। यस, हाँ जी। नेक्स्ट है हमारा ओम, ये हमारा थर्ड आई का बीज मंत्र है ओम। ये हमारे यहाँ पर स्थिर होता है दोनों आईब्रोज के बीच में, ठीक है। और जो ये एलिमेंट है ये भी हमारा एयर एलिमेंट, ठीक है। इसका जो हमारा कलर होता है रॉयल ब्लू, कई लोग इसको वायलेट कलर भी बोलते हैं, ब्लू कलर होता है रॉयल ब्लू कलर का। इसका जो हमारा स्विच वर्ड होता है वो होता है हमारा क्रिस्टल, CRYSTAL। बता दियो फिर, आप इसको लिख सकते हैं क्रिस्टल, CRYSTAL क्रिस्टल। आजा आगे आजा, मैं नीचे आ जाता हूँ। आप प्लीज अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। हेलो, आऊं नीचे? हाँ जी। और इसका जो हमारा हीलिंग कोड है 8882881338 1 3 3 8 2 8 8 1 3 3 8 2 8 8 1 3 3। और इसका स्विच वर्ड है क्रिस्टल, CRYSTAL क्रिस्टल। मैम कोड है इसका 8288133। 8288 हाँ जी 133। यस मैम, डेटी कौन है? लॉर्ड है इसके, इनके कोई भी लॉर्ड नहीं होते क्योंकि ये हमारा एक आत्मा है। अच्छा ठीक है, आत्मा है ये, ठीक है ना। यहाँ पर आप अपने जो भी आपकी इष्ट देव है, जिनकी भी आप पूजा करते हैं, उनको आप जब भी मेडिटेशन करें तो यहाँ पर उनको विजुलाइज करें, ठीक है। उनको यहाँ पे विजुलाइज करें, उनके नाम को विजुलाइज करें, उनको विजुलाइज करें। जब भी आप इसका उच्चारण करते हैं,
तब भी आप इनकी पूजा करते हैं। इसके अंदर जैसे कि आप देख रहे होंगे कि दो पेटल्स हैं, तो एक पेटल होती है व्हाइट और एक पेटल होती है ब्लैक। जो व्हाइट कलर की पेटल है वो ये दर्शाती है, वो ब्रह्मांड को दर्शाती है, वो ईश्वर को दर्शाती है, और जो ब्लैक पेटल है वो आपको संसारिक चीजों के बारे में दर्शाती है, संसार के बारे में दर्शाती है। तो इसकी दो पेटल्स होती है। जब हमारा ये चक्र, अगर किसी का इस चक्र को हमें अगर अपना एनर्जाइज करना है, तो इसके लिए आप डीप ब्रेथ कर सकते हैं, डीप ब्रेथ की एक्सरसाइज कर सकते हैं। जब भी आप बहुत स्ट्रेस में हो, बहुत परेशान है, तो दोनों मुट्ठियों को बीच के और डीप ब्रेथ लेना शुरू करें नाभि से। आप देखेंगे आपको रिलैक्स फील होगा। ठीक है, ये हमारा अपर बॉडी पार्ट पर इसका जो होता है, जिससे हमारा ब्रेन, अगर किसी को कोई इससे प्रॉब्लम होती है रिलेटेड, तो उसको ब्रेन हैमरेज या ब्रेन जैसी प्रॉब्लम हो सकती है, उसका आईज में प्रॉब्लम आ सकती है, उसके फेस पे प्रॉब्लम आ सकती है, उसकी नोज में प्रॉब्लम आ सकती है। इन सब चीजों से अगर ये इस चक्र में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है, तो आपको ये सारी प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, अगर किसी का ये चक्र बहुत अच्छा है, बहुत बैलेंस है, तो उसकी इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी होगी, उसकी जो एनर्जीज है वो बहुत अच्छी होंगी, और जैसे कहते हैं ना, उसको चीजें दिखती हैं। जिन लोगों का ये चक्र बहुत अच्छा होता है, वो लोग चीजों को महसूस कर लेते हैं, आसपास की चीजों को, मतलब अगर उसको नेक्स्ट आई से दिखेंगी भी नहीं ना, तो भी वो उन चीजों को फील करना शुरू हो जाते हैं। जब आपका ये चक्र, जब हम मेडिटेशन करते हैं, तो आप देखेंगे जितने भी यहाँ पर हीलर्स होंगे, जब वो लोग बहुत मेडिटेशन करते हैं, तो उनको पर्पल लाइट दिखनी शुरू हो जाती है। पर्पल लाइट दिखने का मतलब यही है कि आपके इस चक्र पे काम हो रहा है, धीरे धीरे विजुलाइज होने लगती हैं चीजें, यानी कि आपके इस चक्र पे काम हो रहा है। ठीक है, तो ये चक्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये चक्र सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये वो चक्र है जो हमको आत्मा से परमात्मा को, कैसे कहते हैं ना, कि एक मिलन होता है, वहां पर हम इसका मिलन होता है। जब हमारी जैसे बॉडी के अंदर तीन तरह की एक होते ना, ईड़ा, पिंगला और सूक्ष्म, जब वो सारी जो नाड़ियां हम जब अपनी जब हम प्रैक्टिस करते हैं रेगुलर, तो हम अपने रूट चक्र से होते हुए जब ये सारी नाड़ियां आके यहाँ पे आके ये सारी खुल जाती हैं, और जब ये खुल जाती हैं, तब हमारे को विजुलाइज होने लगती हैं चीजें, आस पास की चीजों को हम फील कर पाते हैं। लेकिन इसको ऐसे नहीं प्रैक्टिस करना होता, इसके लिए आपको बहुत सारी ब्रेन एक्सरसाइज करनी पड़ती है, और इसको हम ऐसे नहीं प्रैक्टिस करते, ये किसी गुरु के अंडर में रहकर ही प्रैक्टिस करें। ठीक है, क्योंकि देखिए संसार के अंदर अच्छी चीजें भी होती है, संसार के अंदर बुरी चीजें भी होती है। अगर आप अच्छी हो, आप अच्छी चीजों को अट्रैक्ट करते हैं ना, तो आप बुरी चीजों को भी अट्रैक्ट करते हैं साथ साथ में। तो इसलिए उन चीजों को बैलेंस करने के लिए आपके पास एक ऐसा गुरु होना चाहिए जो हर वक्त आपको समझाए, हर वक्त आपके साथ खड़े हो। तो बिना किसी गुरु या जैसे इनके जो क्लासेस होती हैं, ऐसी जगहों पे जाकर ही आपको इस पर काम करना है। बाकी आप नॉर्मल मेडिटेशन जो हम करते हैं अपने सेवन चक्र की, वो आप कर सकते हैं। ठीक है, जिसका ये चक्र खुल जाता है या जिसका ये चक्र बैलेंस हो जाता है, अभी खुलने की बात तो मैंने नहीं करी है, खुलने की बात तो बहुत लंबे स्टेज पर है, फिलहाल सिर्फ बैलेंस करने की बात। जिसका ये चक्र बैलेंस होता है, उसके अंदर वो निडर होता है, उसके अंदर किसी प्रकार का कोई डर नहीं होता। लेकिन जिसका ये चक्र इम्बैलेंस होता है, वो हमेशा हर सिचुएशन से डरता ही रहता है, उसके अंदर बहुत ही ईगो प्रॉब्लम होती है। कई बार आपने देखा होगा जिसका ये चक्र इम्बैलेंस होता है, उनको दिखाई देना भी कई बार ना आंखों पे बहुत जोर पड़ता है, ब्लाइंडनेस जैसी उनको प्रॉब्लम हो जाती है, उनका विजन कमजोर हो जाता है, उनको सिर में 24 आवर्स उनको सिर में दर्द रहने लगता है। तो वो सब चीजें तभी होती हैं जब ये चक्र हमारा ठीक से काम नहीं कर रहा होता है। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है क्राउन चक्र। क्राउन चक्र अधिकतर ज्यादातर लोगों का बैलेंस ही होता है, क्योंकि अगर ये इम्बैलेंस हो जाए तो बहुत ही प्रॉब्लम हो जाती है। क्राउन चक्र का कलर वैसे कोई कलर नहीं होता है, लेकिन इसको हमने वायलेट कलर से दर्शाते हैं। कई जगहों पे आपको इसका व्हाइट कलर भी मिलेगा, कई जगहों पे इसको लाइट पिंक कलर से भी बोला जाता है। ठीक है, इसका अपना वैसे कोई भी
बीज मंत्र नहीं होता है, लेकिन फिर भी हमने कई जगहों पे आप देखेंगे इसको अहम करके इसका बीज मंत्र है, बट ऐसा जिसका कोई बीज मंत्र नहीं होता है, ठीक है। लेकिन मेडिटेशन में हम लोग जैसे बहुत हमने जैसे मेडिटेशन आपने करे होंगे बहुत सारी जगहों से, तो इसमें अहम बोलते हैं, अहम अहम, ठीक है। और जो इसका हमारा स्विच वर्ड है वो हमारा होता है प्योर, प्योर P-U-R-E, प्योर। और जो इसका हमारा हीलिंग कोड है वो है हमारा 1001688, 1001688, 1001688। मैम स्विच वर्ड क्या बताया आपने? 1001 स्विच वर्ड, अच्छा स्विच वर्ड मैंने बताया प्योर P-U-R-E 688 688 हीलिंग कोड है, ये हीलिंग कोड है 1001688। और किसके लिए है ये? मिस हो गया थोड़ा। क्राउन चक्र, सहस्त्र चक्र। ओके मैम स्विच वर्ड है इसका प्योर P-U-R-E प्योर। और इसके जो इष्ट देव है, जो इसके लॉर्ड है, अर्धनागेश्वर, यानी कि इसके जब आप का ये चक्र पूरी तरीके से बैलेंस हो जाता है, बैलेंस तो अधिकतर लोगों का होता ही है, लेकिन जब हम इसके ऊपर बहुत काम करते हैं और ये चक्र हमारा ओपन होना शुरू हो जाता है, एनर्जाइज हो जाता है, तो आप मानिए कि आप अर्ध नागेश्वर बन जाते हैं, सभी देवी देवताए इस चक्र से नीचे ही होते हैं, सिर्फ आपको थर्ड आई पे मिलते हैं, ठीक है। आप कहते हैं ना अहम ब्रह्मास्मि, आप ब्रह्मांड में मिल जाते हैं। ऐसे लोगों, अगर कोई लोग इस चक्र पे किसी व्यक्ति की अगर मृत्यु हो जाती है तो वो कोई बहुत, और अगर उस पहली बात तो उसको रीबर्थ ही नहीं मिलेगा, उसको मोक्ष मिल जाता है, उसको मुक्ति मिल जाती है। लेकिन जब कोई इस चक्र पे जाता है इस संसार से, उसको ये मौका दिया जाता है, उसको पूछा जाता है कि क्या वो वापस संसार में जाना चाहता है, उसको ये मतलब उसके पास ये अपॉर्चुनिटी होती है कि वो अपनी इच्छा से दोबारा जन्म ले सकता है या फिर नहीं लेना चाहता है तो नहीं ले सकता। और जब उसको ये अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो संसार में दोबारा से जा सकता है, तो वो जब इस संसार में आता है तो वो कोई बहुत ही बड़ा ज्ञानी व्यक्ति बनकर आता है, बहुत बड़े संत महात्मा की श्रेणी में वो आता है। कहते हैं कि कुदरत उसका वेलकम करती है जब वो वापस धरती में आता है। जैसे आपने देखा होगा हमारे भगवान, जैसे हमारे लॉर्ड कृष्णा, जिन्होंने मतलब बच्चे का रूप लेके जो संसार में आए, ये सारी जो है ये सब देवी देव, दे ऑल आर पॉजिटिव एनर्जीज जो एक रूप लेके इस संसार में आए, है ना। तो जब ये लोग आए संसार में तो कुदरत ने इनका वेलकम किया, सभी देवी देवताओं ने इनको वेलकम किया, जो भी मतलब उच्च एनर्जी जो होती है, सबसे सर्वश्रेष्ठ एनर्जी, तो सब लोग उनको वेलकम करते हैं संसार के अंदर। तो ये वो लेवल के पर्सनालिटीज होती हैं, और ज्यादातर लोग मोक्ष ले लेते हैं, वो वापस नहीं आते, लेकिन जो आते हैं तो वो कुछ स्पेशल होते हैं, कुछ प्रकृति उनका खुद से स्वागत करती है, ठीक है। ये हमारे अध्यात्म का सबसे चरम तो हमारे कनेक्शन उस ब्रह्मांडिक ऊर्जाओं के साथ होता है। लेकिन अगर किसी कारणवश ये चक्र आपका इम्बैलेंस है
तो उस इंसान की को जैसे आपने देखा होगा ना पागल लोग, मेंटल असाइनमेंट आप पागल खाने में जाके देखें, वो लोग पागल ही हो जाते हैं क्योंकि उनकी सेंस ऑफ ह्यूमर खत्म हो जाती है, उनको कुछ समझ ही नहीं आता क्या सही क्या गलत क्या कहना क्या करना, तो पागलों की जैसी हरकतें करनी शुरू हो जाती है। इसका जो एलिमेंट है, जैसे मैंने बोला इसका एलिमेंट है स्काई, शायद मैं एलिमेंट बोलना भूल गई थी, आप लोग लिख लीजिएगा, इसका जो एलिमेंट है वो स्काई। और इसमें आप देखेंगे हजारों कमल की पंखड़ियां, हजारों काउंटलेस, ठीक है, जिनको माइग्रेन की प्रॉब्लम होती है, जो लोग बहुत गहरे डिप्रेशन में चले जाते हैं अगर उनको ये चक्र उनका इम्बैलेंस होता है तो उनके साथ ये प्रॉब्लम्स आती है, वो बहुत ज्यादा गहरे डिप्रेशन में चले जाते हैं, बात ही नहीं खाते, खाना ही नहीं खाते, कमरे में अपने आप को बंद कर लेते हैं, माइग्रेन जैसी प्रॉब्लम उन लोगों को हो जाती है, ठीक है। बाकी अब मैं आपको ये बताऊंगी कि जैसे हम कहते हैं ना कि ब्लैक मैजिक ईवल आए, अच्छा एक चीज और बताने की मैंने उनकी, ये हमारी कुछ मुद्राएं हैं इन चक्रों से रिलेटेड। अब जैसे हमारा लम है, जो हमारा सबसे पहला जो हमारा रूट चक्र, हम लम जो हम यूज करते हैं, जब आप वो मेडिटेशन देखो, ये आपको जब आपको लगता है कि हाँ हमारे इस चक्र में प्रॉब्लम है तो आप उसका ज्यादा मेडिटेशन करो। जैसे मैंने अभी बताया कि आप जैसे आप पानी ग्लास के पानी में आप इस तरीके का स्टिकर वहां से निकाल के गूगल से निकाल के उस पर पेस्ट कर सकते हैं, अगर आप बड़े बर्तन पे या आप जैसे मटके का पानी, जैसे इसमें मैंने बोला कि मिट्टी का अर्थ एलिमेंट होना चाहिए तो आप इसमें मटके का पानी यूज कर सकते हैं, मटके के पानी में आप उसको चिपका कर रख के रख सकते हैं, ठीक है, इससे आपका अर्थ एलिमेंट भी पूरा होगा और आपको साथ में बीज मंत्र लम का भी फायदा। उसके अलावा आप सारे जितने भी हमारे बीज मंत्र हैं उन सबको गूगल से सर्च कर सकते हैं और उनके पिक्चर्स लेकर आप कांच के ग्लास में या कांच का कोई जार है उस पे उसको पेस्ट कर सकते हैं। आपको लगता है कि आपके रूट चक्र में प्रॉब्लम है तो आप रूट चक्र यूज कर सकते हैं, अगर आपके सैक्रल चक्र में प्रॉब्लम है तो आप वम का बना सकते हैं, सोलर प्लेक्सस में प्रॉब्लम है तो आप ड्रम का बना सकते हैं, ऐसे अपने सारे चक्र का बनाकर आप उस पानी को पी सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो आप अर्ली मॉर्निंग उठ के जो मैंने आपको इंग्लिश मंत्र बताए ना, जो मैंने आपको बताया कि जैसे मैंने आपको बताया इसका थ्रॉट चक्र का, जैसे मैंने बोला आई एम, तो आप पानी का ग्लास ले और उस पे बोले आई एम, जैसे मैंने स्विचवर्ड अभी आपको बताया ना कि आपने बोलना है उसको 7 times, 7 बोल के 1 second के लिए, फिर 7 बोले, फिर 1 second रुके, फिर 7 बोले, फिर एक इस तरीके से आई एम 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 फूक मार के उस पानी को पी जाए, ठीक है, सभी चक्रास के लिए, किसी को भी जिस चक्र में प्रॉब्लम है या फिर जैसे मैंने आपको बीमारियां बताई उससे रिलेटेड, अगर आपको कोई स्टमक में इन्फेक्शन की प्रॉब्लम है, लीवर में प्रॉब्लम है, तो जैसे लीवर के लिए हमने बोला कि रम हम उसमें यूज करते हैं, सोलर प्लेक्सस, तो सोलर प्लेक्सस के जो हमारा स्विच वर्ड है उसको आप इस तरीके से पानी में बोल के पी सकते हैं, उसका हीलिंग नंबर आप अपने हाथ में लगा सकते हैं। और जब हम मेडिटेशन करते हैं, मेडिटेशन में तो हम सारे चक्रास का ही करेंगे, और लेकिन आप स्पेशल अलग से मेडिटेशन कर सकते हैं, उसके साथ साथ आप इस मंत्र का जैसे 108 बार या 109 बार, मेरे हिसाब से मैं 109 बार ही सजेस्ट करती हूँ, तो आप उतनी बार उसका मंत्र का जाप कर सकते हैं, एक माला का जाप ले सकते हैं, या फिर उनसे रिलेटेड जो भी देवी देवताएं हैं आप उन देवी देवताओं के मंत्र का जाप कर सकते हैं, ठीक है। और ये हमारी कुछ स्पेशल मुद्राएं हैं, जैसे हमारा रूट चक्र से है तो आप अपने दोनों हाथों को इस तरीके से रखकर मेडिटेट कर सकते हैं, अगर आपका सैक्रल चक्र से है तो दोनों हाथों को
इस तरीके से रखकर अपने नीचे वहां पे रखेंगे, अपने नेवल से नीचे रखकर कर सकते हैं। और अगर हमारा सोलर प्लेक्सस में है तो आप इस तरीके से रखकर अपने नाभि के पास में रख सकते हैं। हमारा यम का है तो यम का भी सेम प्रोसीजर है जो हमारे रूट चक्र में, वही है, उसी तरीके से आप कर सकते हैं। हम का है, हम का भी आप नीचे अपने जैसे अपने थाइस के ऊपर रखकर आप इस तरीके से उनका मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। ऐसे जैसे आपने दोनों हाथों को ऐसे बनाया, मुद्रा बनाई, ऐसे रखा और रखकर बोला, हम हम हम, इस तरीके से भी आप उनका मेडिटेशन कर सकते हैं। या फिर आप जैसे इसमें हमने आपको बताया था, जैसे हमने आपको बताया था इसमें लॉर्ड शिवा, तो आप लॉर्ड शिवा का जाप कर सकते हैं। जो भी उनका जाप आप करना चाहते हैं, उनका बीज मंत्र हो गया या कोई भी, आप उस तरीके से इस मुद्रा में रहकर आप वो कर सकते हैं। इसी तरीके से हमारे हार्ट चक्र, इसी तरीके से हमारे सोलर प्लैक वो सॉरी थर्ड आई, और इसी तरीके से हमारा क्राउन चक्र। क्राउन चक्र का तो कोई मुद्रा नहीं है, क्राउन चक्र मैंने बोला ना कि उसको तो आप मतलब वो अगर आपका खुल गया तो आप बस भगवान बन गए, समझ लो भगवान के समान आप हो गए। ठीक है, अब मेरे क्वेश्चन मैम, जैसे मुद्राज है मैम, समझ लीजिए मैम, जैसे हम है, हम जैसे हार्ट चक्र की मुद्रा है, तो मैम ये हमको ये नेवल के पास रख के ही करनी है मुद्रा, लाइक नेवल होता है और जैसे आप मुद्रा में बैठते हैं नॉर्मली, जैसे तो नॉर्मली जैसे आप बैठते हैं ना वैसे ही आप करेंगे। ठीक है, मतलब हम ऐसा तो नहीं हाथ चक्र के ऊपर रख के करना है मुद्रा को, ऐसा तो कुछ नहीं है ना? आप बैठते जैसे आप बैठते हैं वैसे ही आप करेंगे। अच्छा, उसी उसी और उसी मुद्रा में, मतलब हैंड की पोजिशन चेंज करनी है। और मैम कितनी देर के लिए करना होता है मिनिमम? हम देखो 5 मिनट भी कर सकते हो, मिनिमम आपका मन करता है आप 10 मिनट भी कर सकते हो। ठीक है, और अगर आप एज अ हीलर हो तो आप उसको हील भी कर सकते हो, मतलब जैसे हम लोग सिंबल्स डाल के वहां पर और अपनी मुद्रा बनाकर और अपने सिंबल्स को बनाकर भी हील कर सकते हैं अपनी थर्ड आई। मतलब हम ये विजुलाइज करके, जैसे हमने अपने हार्ट चक्र पर हमने अपना मुद्रा बनाई है, अपने हाथों की तो मुद्रा बनाई है, और हार्ट चक्र पे अपने सिंबल्स को ड्रॉ करके और विजुलाइज करके भी हीलिंग कर सकते हो। ठीक है, 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा, जितनी मर्जी देर, जितना आपको लगता है कंफर्टेबल है उतनी देर करो। ठीक है, धीरे धीरे अपनी बढ़ाते जाओ, जैसे पहले शुरू शुरू में 2 मिनट करो, फिर 4 मिनट करो, 5 मिनट करो, फिर 10 मिनट करो, कम से कम 10 मिनट तो करो ही करो। ठीक है ना, अब देखो अगर आपको कोई बहुत प्रॉब्लम से आप जूझ रहे हो तो 10 मिनट तो अपने लिए निकाल सकते हो स्पेशल फॉर दैट चक्र। बाकी 7 चक्र की हीलिंग तो करो ही करो, लेकिन 10 मिनट स्पेशल उस चक्र पर काम। और मैम बीज मंत्र के साथ चैंट करना है, बीज मंत्र जो आपने बताया, आपको बोला ना वाटर वाला, वो बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छा उसका रिजल्ट है, 2 से 3 दिन के अंदर आपको रिजल्ट मिलेगा। कौन सा मैम? अच्छा वाटर में चार्जिंग कर दी। अच्छा, और मैम एक और चीज थी कि मैम जैसे हमने सारे चक्र बताए हैं, सारे चक्र में जैसे मैम अगर जैसे हमारा कोई चक्र समझ लीजिए लाइक थ्रोट चक्र इम्बैलेंस है ना, तो मैम उससे मैम ज्यादा इम्बैलेंस है समझ लीजिए, या मैम हर एक चक्र पे कितना कितना मिनिमम टाइम देना चाहिए उसका मेडिटेशन करते? देखो नॉर्मली ऐसा मैंने बोला ना, कोई ऐसा वो नहीं है, अभी मैं आपको मेडिटेशन करवाऊंगी ना तो आप उसी मेडिटेशन को रेगुलरिटी में कर सकते हो, बट नॉर्मल जब हम हीलिंग्स करते हैं तो हम हर चक्र पे कम से कम 3 मिनट करते हैं। अच्छा। ठीक है, और जिस चक्र पे ज्यादा प्रॉब्लम हो वहां पर 10 मिनट कम से कम करें तो अच्छा है, लेकिन 10 मिनट एकदम से लगता है बहुत ज्यादा टाइम है, तो पहले 2 मिनट करो, फिर 4 मिनट करो, फिर थोड़ा थोड़ा टाइम बढ़ा के कम से कम 10 मिनट पर आओ। मतलब अब आपने बोला थर्ड आई चक्र नहीं करना अपने आप, थर्ड आई और क्राउन चक्र अपने आप से नहीं करना। रेगुलर जो हम 3-3 मिनट की हीलिंग करते हैं वो तो आप करोगे ना। अच्छा, ये आप मतलब देखो उसमें ना प्रेशर डाल के नहीं करना, प्रेशर नहीं डालना,
आप जब हीलिंग करते रहोगे तो वो धीरे धीरे अपने आप से ही खुल जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कई लोग होते हैं ना उस चीज पे बहुत प्रेशर डाल के करते हैं, तो अगर आप उस चीज पे प्रेशर डालोगे, उसको जबरदस्ती करोगे, तो फिर वो आपके लिए नुकसानदायक भी हो सकती है चीज। नहीं नहीं, मैं मतलब शौक होता है करना। ये लोगों को बहुत शौक होता है कि मैं अपनी साइड काम करूं, है ना। कई लोगों को बहुत मन होता है, मेरा भी बहुत, मतलब मैं भी बहुत, मेरे को बड़ा शौक था और मैं बहुत करती थी, तो फिर मैंने छोड़ दिया बाद में करना, जब मेरे को उस चीज की नॉलेज हुई तो फिर मैंने उसको छोड़ दिया करना, तो इसलिए। ठीक है ना मैम? थैंक यू मैम। मैम ये एनलाइटमेंट होता है ना, एनलाइटमेंट हो गया किसी को, मतलब उनका क्राउन चक्र ओपन हो जाता है। हाँ जी बिल्कुल, और वो बहुत ही कम लोग होते हैं ज्यादातर लोग। तो पहली बात तो ज्यादातर लोग नीचे के तीन चक्र पे ही फंसे रहते हैं, उसके बाद जो थोड़ी बहुत मेहनत करते हैं वो ऊपर तक आ जाते हैं, थर्ड चक्र तक आ जाते हैं, फिर थोड़ी और मेहनत करते हैं तो थर्ड आई तक आ जाते हैं, और थर्ड आई तक ही रहते हैं। सहस्रार चक्र तक तो बहुत 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 ही कोई 100 में कोई एक बंदा ही जा सकता है। अगर मैं अपनी बात, हम भी अब तक वहां। मैम एक चीज पूछनी थी, जैसे कुंडली शक्ति जागृत होती है तो 7 चक्रास खुल जाते हैं उसके? उसमें हमारे पीला पेना और इंगला जो हमारी तीनों जब यहाँ से खुलती है, हमारी थर्ड आई ओपन होती है, तो वो कुंडली नहीं खुलती है, नीचे से पूरी नीचे से चलती है, लेकिन उसको आपने खुद से नहीं करना, वो धीरे धीरे आप बस रेगुलर बस नॉर्मल आप प्रैक्टिस करते रहो, वो धीरे धीरे अपने आप खुल जाएगी अगर प्रभु की आपके ऊपर कृपा होगी तो, है ना। पर उसको जबरदस्ती नहीं करना उसको, और अगर आपको उस पे बहुत काम करना ही है, आपका एक वो है कि भाई मुझे स्पिरिचुअल पाथ पे जाना है, मुझे मुक्ति पानी है, तो फिर उसके रास्ते मैंने बोला कि आप किसी गुरु के अंडर में रहकर किसी एक ऐसे गुरु को ले जो एक निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं। बहुत सारे ऐसी जगह होती है जहाँ पे निस्वार्थ सेवा की जाती है, फिर ऐसी जगह पे आप उसको सर्च करें और वहां पर जाकर उस पर काम करें। मैंने सुना है कि वो इन्फिनिटी बनाती है कुंडली अपनी बॉडी में, इन्फिनिटी के फॉर्म में आ जाती है, आ जाती है यहाँ पर, बन जाता है चक्र आपका। जी ठीक है, यहाँ पे आपका वो चक्र बन जाता है, और जब हम वो सारे चक्र पार कर जाते हैं ना, तो ऐसे लोगों को फिर कुछ वो नहीं रहता, उनको कोई मोह माया नहीं होता, उनको कोई किसी से कुछ नहीं है, वो सीधा परमात्मा में मिल जाते हैं। लेकिन हम जब करते नहीं है ना, बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि मैं अपनी थर्ड आई ओपन कर लूंगा तो मैं इस चीज को आकर्षित कर लूंगा, मैं इसको कर लूंगा, या मैं अपने सहस्रार चक्र को। लेकिन जब तक आप उस लेवल तक पहुंचते हो ना, आपके सारे विचार ही बदल जाते हैं। जो कुंडलानी रेकी होते हैं तो क्या वो इसी पे वर्क करती है? हाँ जी वो इसी पे काम करती है, पर उसके लिए भी बहुत प्रैक्टिस चाहिए। लोग तो सिखाते हैं, एक एक दिन के कोर्स होते हैं, दो दो दिन के कोर्स होते हैं, उससे कुछ नहीं होता है, उसके लिए बहुत बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जो लोग आपको सिखाते हैं ना, दो दिन के कोर्स होते हैं, तीन दिन के कोर्स होते हैं, या एक हफ्ते की वर्कशॉप होती है, आप उनके पास जाकर अगर आप उनको बोलते हैं ना कि भाई आपकी जैसे आप प्रैक्टिस कर रहे हो, तो वो आपको कितना आपके साथ देंगे, वो कभी साथ नहीं देंगे, वो सिर्फ आपको सिखा के छोड़ देंगे। इसलिए मैंने बोला कि कोई ऐसा गुरु होना चाहिए जो पूरा निस्वार्थ भावना से जन कल्याण के बारे में जो काम करता है, ऐसे गुरु को आपको अपने जीवन में लाना होगा। और जब आप उस मुकाम पे पहुंच जाते हैं तो फिर आपके अंदर कोई भी मोह माया नहीं होती है, फिर आप सिर्फ अपने देश के लिए या संसार के लिए, उसके हित के लिए ही वो काम करेंगे। ओके मैम, पावर अगर वीक होता है तो उसका कौन सा चक्र वीक है? कौन सी पावर? क्या बोला आपने? विजुलाइजेशन पावर, अगर किसी का विजुलाइजेशन पावर वीक है, जैसे अगर हम थर्ड आई मैम स्टडीज के लिए कौन सा चक्र? थर्ड आई पे काम करें, हार्ट चक्र पे काम करें,
थर्ड चक्रा पे काम करें। और मैम कॉन्सेंट्रेशन के लिए, कॉन्सेंट्रेशन के लिए भी थर्ड आई पे काम करें, हार्ट चक्रा पे काम करें और थ्रॉट चक्रा पे काम करें। क्योंकि मैम मैं विजुअलाइज तो कर लेती हूँ बट मुझे कुछ रीड करना होता है ना या कंप्यूटर पर पढ़ना है तो मेरा ध्यान ही गायब हो जाता है और ही चला जाता है। आप उसके ऊपर काम करेंगे ना धीरे धीरे, कम से कम देखिए नॉर्मली तो बोलते हैं 21 दिन में हो जाता है लेकिन मैं फिर भी बोलती हूँ 3 महीने कम से कम आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, कम से कम 3 महीना प्रैक्टिस करना चाहिए। और उसके बावजूद भी मैं तो कहती हूँ रोज ही करो तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, लेकिन बहुत अच्छी चीज है। और उसके बाद जैसे 3 महीना तो रेगुलर करो, उसके बाद बीच बीच में आपका ब्रेक पड़ जाता है जैसे आप कहीं चले गए नहीं कर पाए या कुछ हो गया तो कभी बीच में 2-3 दिन का गैप आ गया तो कोई बात नहीं, ठीक है ना, लेकिन 3 महीने तो कम से कम करो ही करो। और जैसे कुछ भी हो, जैसे ज्यादातर लेडीज में प्रॉब्लम आती है कि वो अपने जो उनका साइकिल होती है तो उसमें वो लोग उस चीज से परहेज करते हैं, तो उसमें कोई परहेज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सब कुछ हमारे प्रभु ने बनाया है, सब कुछ हमारे कुछ परहेज नहीं करते मैम, उस टाइम करने में थोड़ा अनकंफर्टेबल थोड़ा फील होता है। जब आप रेगुलर करेंगे तो आदत बन जाती है। आप इस चीज को अपने माइंड से बाहर निकाल दीजिए ना, क्योंकि देखिए हमारा ब्रेन ही सबसे इम्पोर्टेंट टूल होता है। अगर हम ऐसा जो हम सोचेंगे फिर वैसा ही हमारे साथ होना भी शुरू हो जाता है, फिर वैसी ही चीजें हमारे साथ आने लग जाती है। तो इसलिए उस चीज वो ऐसे थॉट प्रोसेस ही नहीं लाने अपने दिमाग के अंदर, ठीक है ना। हम सब भगवान के बच्चे हैं, मासूम भोले इनोसेंट, इस तरीके से अपने थॉट प्रोसेस को लेके चलना है। मैम जैसे ना माइंड ना जैसे मैम बहुत इधर उधर घूमता है थॉट्स में, पास्ट थॉट्स में रहता है ज्यादातर। हम सभी लोग पास्ट में ही जीते हैं, प्रेजेंट में बहुत कम लोग। मैम इंश्योरेंस करवा लेते हैं है फ्यूचर के लिए और इसे अपनी माँ पास्ट में रहता है और इसलिए लोग बीमार रहते हैं क्योंकि वो पास्ट में रहते हैं। अगर आप अपने प्रेजेंट में रहोगे तो आपके अंदर कोई विचार ही नहीं होगा, जो हो रहा है बस वो हो रहा है, उसमें आप बह रहे हो पानी में। हाँ। जैसे एक पानी बहता है ना, आप बस उन बस बहते जा रहे हो, आपके कोई विचार नहीं होते, तो आप देखोगे कि आप बहुत खुश रहोगे। लेकिन हम लोग पास्ट में नहीं रहे, वो सॉरी हम लोग प्रेजेंट में नहीं होते हैं, ज्यादातर लोग प्रेजेंट में नहीं होते हैं, वो पास्ट में चल रहे होते हैं। और पास्ट में उनके इतने विचार होते हैं कि उसने मुझे ये कहा था, उसने मुझे ये कहा था, उसने वो, या तो वो फ्यूचर में चलेंगे कि मैं ये कर लूं, मेरा ये हो जाए, मेरा वो। चलो फ्यूचर में तो चलना ही चाहिए, अपने आगे भविष्य के बारे में तो अच्छा सोचना ही चाहिए, लेकिन हमारा अच्छा भविष्य कहाँ से बनेगा? हमारा अच्छा भविष्य बनेगा हमारे आज, अगर हम आज उस पर काम करेंगे तभी तो हमारा आगे भविष्य बनेगा ना। आज तो हम सिर्फ सोचने में ही निकाल रहे हैं ना, तो वो तो हमारे बस सोच ही चलती रहेगी। तो इसलिए सोचना नहीं है, प्रेजेंट में रहना है, एट प्रेजेंट अपने चीजों पर काम करना है, तभी वो आपका फ्यूचर अच्छा बनेगा। और जो पास्ट है, हालांकि पास्ट हमारे जीवन में चलता है ना, पास्ट लाइफ भी होती है हमारी लाइफ में, उसका इम्पैक्ट होता है, लेकिन हमें उस भावनाओं में बहना नहीं है क्योंकि जो हो गया वो हो गया, उसे हम बदल नहीं सकते। हमें अपने आज को ही अच्छा होना, ठीक है। लेकिन बहुत सारे ऐसे हमारे कार्मिक इश्यू होते हैं जो हमें पास से पता चलते हैं और फिर हम उसकी वहां पर हीलिंग करते हैं ताकि हमारा प्रेजेंट ठीक हो, बट लेकिन वो भी आपके विचार है, आपकी सोच है, ठीक है ना। आप प्रेजेंट में रहो, प्रेजेंट में रहोगे तो आपका फ्यूचर अच्छा बनेगा, और प्रेजेंट में रहने के लिए आपको अपने चक्रास पे काम करना पड़ेगा। जब आपकी चक्रास पे आप काम करोगे ऑटोमेटिकली आपके थॉट प्रोसेस चेंज हो जाएंगे। अब जो मैं बात कर, हाँ बोलिए बोलिए। थर्ड आई चक्र का स्विच वर्ड रिपीट कर सकते हैं? थर्ड आई चक्र में स्विच वर्ड बताया था, ऐसा मैंने स्विच वर्ड बताया नहीं था, अभी बताया था ना, क्या बताया था मैंने? थर्ड आई का स्विच वर्ड क्रिस्टल, क्रिस्टल क्रिस्टल बताया था। अच्छा, और स्विच वर्ड उसका नंबर, स्विच वर्ड उसका क्रिस्टल है और हीलिंग कोड है उसका 8288133। अच्छा, और दूसरा अभी हम जैसे बात कर रहे थे कि क्या हमारी को किसी भी तरह की कोई किसी के ऊपर कोई ब्लैक मैजिक होता है या कोई नेगेटिव एंटिटी आती है, तो क्या वो चक्रास के थ्रू हम उसको बैलेंस कर सकते हैं, अपने शरीर से बाहर निकाल सकते हैं,
या यस हम उसको चक्रा हीलिंग के थ्रू अपने शरीर से बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि जो भी एंटिटी आती है ना, सबसे पहले वो आपके ऑरा में आती है, आपकी बॉडी में नहीं आती है, आपके ऑरा में आती है। और जब वो एंटिटी आपके ऑरा में आती है तो आपकी लाइफ थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाती है, परेशानियां आ जाती हैं, गुस्सा बहुत आता है, लड़ाइयां होती हैं, बनते हुए काम बिगड़ने शुरू हो जाते हैं, इस तरीके की बहुत ज्यादा नेगेटिव चीजें आपके जीवन में होने लगती हैं। तो आपने क्या करना है, अगर आप अपने चक्रास के ऊपर रेगुलर काम कर रहे हो तो आपका ऑरा स्ट्रांग रहेगा, और आपका ऑरा स्ट्रांग रहेगा तो इस तरह की कोई भी नेगेटिव एंटिटी आपके पास आएगी ही नहीं, ठीक है ना। लेकिन अगर ऑलरेडी वो है और उसको आपने कैसे निकालना है, तो आप अपने चक्रास के ऊपर काम करो। जैसे जैसे आपके चक्रास एनर्जाइज होते जाएंगे, आपका ऑरा स्ट्रांग होता जाएगा, और जैसे जैसे ऑरा स्ट्रांग होगा वो एंटिटी बाहर अपने आप ही निकल जाएगी। और कभी कभी आपको फील भी होगा, कभी कभी आपको फील, जैसे कहते हैं ना भूत बाधा, भूत बाधा बोलते हैं ना, और कभी कभी आपको उसे फील भी होगा, आप महसूस भी करेंगे कि वो आपके कौन से बॉडी पार्ट से बाहर आ रहा है, ठीक है। और फिर आप ये भी होगा कि जब वो एंटिटी, आप जब हीलिंग करेंगे बाहर आ जाएगी, आप हीलिंग नहीं करेंगे वो फिर आ जाएगी। तो उसके लिए आपको हमेशा अपने ऑरा को प्रोटेक्ट भी रखना है, जो हम अपनी क्लासेस में सीखते हैं। आप लोगों में से जो भी यहाँ पर हीलर्स होंगे उनको मालूम होगा कि किस तरीके से हम हमारे ऑरा को प्रोटेक्ट करके रखते हैं। और प्रोटेक्ट रखने के लिए जरूरी नहीं होता कि आप वो प्रोटेक्शन ही डालें उसके अंदर, सिंबल्स ही बनाएं या कुछ भी करें। प्रोटेक्ट रखने के लिए ये भी होता है कि आप अपनी सोच को अच्छा रखें, प्रोटेक्ट रखने के लिए ये भी होता है कि आप अपने खान पीन पर अच्छा ध्यान दें, अच्छा हेल्दी फूड खाएं, जंक फूड्स को ना खाएं, ज्यादा पानी का इनटेक करें, ठीक है ना। इन चीजों से भी आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि इन चीजों से भी आपका ऑरा स्ट्रांग होता जाता है। और आप रेगुलर मेडिटेशंस करेंगे तो आपका ऑरा स्ट्रांग होता जाएगा, तो इस तरह की नेगेटिव एंटिटीज आपके पास नहीं आएंगी, ठीक है। चलिए अब हमें लगता है कि हमें एक मेडिटेशन कर लेना चाहिए। मेडिटेशन करने के बाद फिर आप लोगों के कोई क्वेश्चंस होंगे तो हम लेंगे, और नहीं तो फिर हम क्लास को वाइंड अप करते, ठीक है। चलिए ओके मैम, मैम 1 मिनट का ब्रेक देंगे प्लीज, सिर्फ 1 मिनट। हाँ हाँ ओके ओके, 1 मिनट आप लोग। Excuse me, ma'am. हाँ जी बोलिए। हाँ जी बोलिए। एक चक्र बैलेंसिंग होता है, एक चक्र होता है एक्टिवेट होना। हाँ जी बताइए क्या कहा आपने? हाँ जी हाँ जी। मैम मैंने बैलेंसिंग होता है एक्टिवेट होना। एक बैलेंसिंग होता है और एक? एक एक्टिवेट होना। एक्टिवेट होना मतलब खुलना। हाँ। तो मैं इसमें मतलब जैसे दोनों ना वॉइस है ना, आई थिंक आपका कुछ इंटरनेट प्रॉब्लम हो रहा है। अभी क्लियर है मैम? क्लियर होती है फिर बीच में कट होती है। आपको मतलब मैं समझ गई हूँ, आप ये कहना चाह रहे हैं कि एक हमारे चक्र हम जैसे ब्लॉक हो जाता है, एक हम बैलेंस करते हैं, एनर्जाइज करते हैं, है ना। तो बैलेंस करने का मतलब यही है कि अपनी हर चीज को हमें बैलेंस करना है, ठीक है। और एक्टिवेट जैसे हमारा वो चक्र जैसे हम खुलता है तो हमें उसको बैलेंस करना आना चाहिए। और बैलेंस हम उसको कैसे करेंगे, हम उसको हीलिंग के माध्यम से ही बैलेंस कर सकते हैं। जैसे जैसे आप उसके ऊपर काम करते जाएंगे ना, जैसे मैंने बोला कि आप उसका स्विच वर्ड यूज करें, आप वो पानी पीजिए, आप अपने हीलिंग कोड कर लिखिए, आप उसके ऊपर ज्यादा काम करेंगे। अच्छा मैं आपको ये नहीं बताया, मैंने हर चक्र के अपने जैसे कलर्स होते हैं, आप उन कलर्स के कपड़े अपनी लाइफ में डालें, उस कलर उस कलर से रिलेटेड फ्रूट्स को अपनी लाइफ में डालें, तो आपका एक्टिवेट होगा चक्र। और जब आप मेडिटेशन करेंगे तो वो आपके बैलेंस होती जाएंगी चीजें। मैम जैसे मैंने रेकी लेवल 1 किया हुआ है तो 24 हीलिंग पार्ट्स करता हूं, अपना प्रैक्टिस करता हूं।
आपने क्या चेंज देखा? पहले मैं बहुत लेजी था दोस्तों, और चीजें धीरे करके इम्प्रूव हो रही है मैम। अगर किसी और को इनकी बात समझ आ रही है तो प्लीज मुझे एक बार बताएं, मुझे यहाँ पे क्लियर नहीं हो रही उनकी बात। हेलो मैम, ऑडियो ब्रेक हो रहा है, जो ये कह रहे हैं कि शायद करेक्ट हुआ है, कह रहे हैं कि बेटर हुई है उनकी चीजें। मुझे शायद यही समझ आया मैम। आपका नाम क्या है जो मेरे से ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं? हाँ तो ये तो अच्छी बात है ना, चीजें तो बेटर होंगी आपकी जब आप 24 बॉडी पार्ट्स की हीलिंग करेंगे तो। जब आप 24 बॉडी पार्ट्स की हीलिंग करेंगे तो आपकी चीजें तो अच्छी होंगी। जैसा बोला ना आपको कि जो हमारी बॉडी के 24 बॉडी पार्ट्स है वो हमारी एनर्जी के केंद्र है, सेंटर है वो एनर्जी के, और जब वो ब्लॉक होने लगते हैं तभी तो हमारा ऑरा डाउन होता है ना, हमारे 7 चक्रास खराब होते हैं। तब हमारे वो एनर्जी के जो जो सोत्र है अगर वो हमारा अच्छे से हील होता जाएगा तो हमारे को नॉर्मल हमारी चीजें अच्छी होंगी। देखो मेडिटेशन एक अलग चीज होता है और हीलिंग अलग चीज होती है। हम मेडिटेशन कर रहे हैं, एक नॉर्मल मेडिटेशन है। जब हम किसी पर्टिकुलर चीज की हीलिंग करते हैं, जैसे हम 24 बॉडी पार्ट की हीलिंग करते हैं, हम उस पे बॉडी पे वो डालते हैं, अपने सिंबल्स डालते हैं और हम उसके बॉडी की हीलिंग करते हैं, तो आपको पता है हमारे शरीर का हर एक एक जो हमारी बॉडी का सेल होता है ना वो हील होता है। लेकिन इतना टाइम लोगों के पास नहीं होता कि वो अगर आप लगातार 24 बॉडी पार्ट की हीलिंग करो तो वो 3 मिनट हम एक बॉडी पार्ट पर देते हैं तो वो हमारी पूरे 1.5 घंटे की हीलिंग होती है। हम पहले अपने यहाँ पर जो हम लेवल 1 की हीलिंग हम यहाँ पे सिखाते थे लेवल 2 लेवल 1 में, तो हम 24 बॉडी पार्ट्स की हीलिंग रोज सुबह हमारी मॉर्निंग में क्लासेस होती थी तो 1.5 घंटा लगता था। यहाँ पे अगर कोई बैठा होगा, आई थिंक प्रीति जी बैठी है, उन्होंने शायद से वो क्लास ज्वाइन करी थी, है ना प्रीति जी? हाँ मैम, आपने वो क्लास ज्वाइन की थी ना? हाँ हाँ, वो पूरी हमारी 1.5 घंटे की क्लास होती है। और बताइए आपका क्या एक्सपीरियंस था उस क्लास के अंदर? एक्सपीरियंस में तो मैडम बहुत ही अच्छा लगता है, और जब बॉडी के आप जब 24 पार्ट्स की हीलिंग करते हो तो आपके बॉडी के जो भी ब्लॉकेज हैं, जो भी चक्राज के, वो खुलना शुरू हो जाता है अगर आप डेली प्रैक्टिस करते हो तब। और उसके बाद आप में इतना ज्यादा ये हो जाता है कि क्या बोल सकते हैं उसको, कि आपको जब भी कोई प्रॉब्लम लगेगा या कुछ भी है तो आप वो 24 पार्ट पर पॉइंट्स पर कर करके आप अपने आप को हील कर सकते हो और उसकी बेनिफिट ले सकते हैं। या एनर्जी इतनी हाई होती है जब ब्लॉकेज खुल जाते हैं, बैलेंस हो जाता है हमारा, तो वही है कि आप अपने लाइफ में हर कुछ अचीव कर सकते हो। लेकिन क्या होता है कि लोग सीखते हैं छोड़ देते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तो फिर ये नहीं कि एक बार कर लिए तो होल लाइफ होगा, उसको प्रैक्टिस में लाएंगे तो फायदा करता है। हमने भी यहाँ पे 21 डेज हमने हीलिंग करी थी उसकी, और मैंने बोला था कि आप इसको भी कम से कम 3 महीना करो, और फिर उसके बाद जब आपको समय मिले चाहे तो आप हफ्ते में 1 दिन करो, पर उसको फिर भी रेगुलरिटी में रखो, हफ्ते में 1 दिन। क्योंकि जब हम 24 बॉडी पार्ट्स की हीलिंग करते हैं तो हमारी बॉडी का हर एक एक सेल जो होता है वो हील हो जाता है। मेडिटेशन एक अलग चीज होती है, हीलिंग अलग चीज है। हालांकि मेडिटेशन भी एक तरीके का हीलिंग प्रोसेस ही है, लेकिन उसके अंदर हमारे पूरी बॉडी के एक एक जो सेल होता है वो हील होने लगता है, तो वो ज्यादा अच्छा है। लेकिन हम जब मेडिटेशन करते हैं ना तो ज्यादातर लोग जो होते हैं वो अपनी थर्ड आई पर फोकस करते हैं, और जब हम थर्ड आई पे फोकस करते हैं तो वहां से क्या होता है कि
अगर हमारी चीजें बैलेंस नहीं है लाइफ के अंदर, हमारा जो लाइफस्टाइल है अगर वो बैलेंस नहीं है, अगर हम टाइम से नहीं सो रहे हैं, टाइम से नहीं उठ रहे हैं, अच्छा खाना नहीं खा रहे हैं, हमारी बॉडी में पानी का इनटेक कम है, या हम बहुत टीवी देख रहे हैं, मोबाइल पे हम बहुत काम कर रहे हैं, अब जैसे आजकल तो हर काम ही ऑनलाइन हो चुका है, तो अगर हमारे लाइफस्टाइल बैलेंस नहीं है, हम लेट नाइट पार्टीज में जा रहे हैं, शादियों में जा रहे हैं, वहां का खाना खा रहे हैं, तला बना सब तरह का खाना खा रहे हैं, तो हमारा लाइफस्टाइल बैलेंस नहीं है। और जब हमारा लाइफस्टाइल बैलेंस नहीं है तो फिर हम थर्ड आई पे काम, जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हम थर्ड आई पे काम करते हैं, हम जितना थर्ड आई पे काम करेंगे वो हमारी एक्टिवेट होनी शुरू हो जाती है। और जब हमारी लाइफस्टाइल बैलेंस नहीं होगा और हमारी थर्ड आई एक्टिवेट होगी तो पॉजिटिव चीजें कम आएंगी हमारी जिंदगी में, नेगेटिव इम्पैक्ट ज्यादा पड़ेंगे हमारी जिंदगी में। इसलिए जब भी मेडिटेशन करना है तो आपको पूरा अपने जीवन को पूरा ठीक नियम आपको अपने जीवन के बनाने होंगे, तब आप मेडिटेशन करेंगे तो आपको उसका ज्यादा सुख मिलेगा, आपको ज्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे। और नहीं तो आप अपनी हीलिंग्स करिए, 24 बॉडी पार्ट की हीलिंग करिए, वो सबसे बेस्ट है। मैम वो कैसे करते हैं? 7 चक्रास की हीलिंग करिए, वो सबसे बेस्ट है। हाँ जी मैम वो कैसे करते हैं हीलिंग? देखो वो तो हमारा रेकी का एक प्रोसेस है, मैंने तो आप वो तो चलो यहाँ पे शुरुआत करनी थी तो मुझे उसको बताना पड़ा, वो हमारी रेकी का एक वो है, उसके लिए आप हमारा रेकी कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है मैं तो रेकी कोर्स सिखाएंगे मैम, तो इसमें मैम सब लेवल सिखाएंगे, लेवल 5 तक सिखाएंगे। हेलो मैम। हाँ जी लेवल 5 तक सिखाएंगे। हाँ जी हाँ जी मैम। इसकी फीस क्या रहेगी? क्या हम बात करेंगे बाद में, अभी हम इस पे काम करेंगे, ठीक है ना, फिर ऐसे वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगी चीजें हमारी। नहीं एक चीज तो मैं बोलना चाहूंगी मैम इस बीच में कि जिन लोगों ने ज्वाइन किया है अभी जो देख रहे हैं आप लोग कार्यक्रम, तो ये है कि मैडम तो बहुत ही अच्छा सिखाती हैं, उसमें नो डाउट। और उसके बाद क्या है कि आप अपने लाइफ में इतना ज्यादा उस जो रेकी की सिंबल मिलती है और प्रैक्टिस करते रहते हो तो आप इतना कनेक्ट हो जाते हो कि मुझे तो नींद में भी, मैं सोने के समय अपना ओपन करके सो जाती हूँ, भलाई मुझे नींद आ जाता है लेकिन वो वर्क करता है, वो 100% आपके ऊपर वर्क करता है। बस ये चीज है कि आप फेथ के साथ, अगर जरा सा फेथ नहीं किया, अगर हीलिंग करवा रहे हैं, हीलिंग करने वाले और करवाने वाले दोनों को अगर फेथ में कमी आ गई तब फिर एनर्जी काम नहीं करता उतना। लेकिन है बहुत ही अच्छी विद्या, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और फिर आपको हर तरफ ना पॉजिटिव ही आपकी होगी, सबसे बड़ा सोच आपकी पॉजिटिव हो जाएगी, जो निगेटिव थॉट की तरफ दिमाग भागता है ना वो पॉजिटिव की तरफ चला जाता है। तो ये बहुत ही अच्छा, और मैडम बहुत ही अच्छा सिखाती है। थैंक यू प्रीति जी, थैंक यू। मीना जी आप कुछ बोल रहे हैं? आपकी वॉइस नहीं आ रही है। आपके साथ में काम करना और आपके से ट्रेनिंग लेना बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू। हम एक भी मिस नहीं करते हैं लेक्चर्स आपके। हाँ जी आपने भी तो पूरा ग्रैंड मास्टर तक किया है मीना जी। यस मनी किया है, अभी करुणा रेकी किया आपसे। चलिए अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना मेडिटेशन, सभी लोग अपने आप को म्यूट कर लें। हेलो वॉइस पूरी क्लियर है ना? वॉइस क्लियर है? शो मी द थंब प्लीज। वॉइस क्लियर है? ओके यस मैम। यस एवरीवन, मैं उपासना आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ इस वर्कशॉप में। आज हम 7 चक्रास मेडिटेशन वर्कशॉप करने जा रहे हैं। सभी लोग अपनी आंखें बंद करें और लंबी गहरी सांसें लें। अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पर केंद्रित करें। लंबी गहरी सांसें लें और
सांस छोड़ी। अंदर आती हुई सांसों में महसूस करें कि सभी आस पास की सकारात्मक ऊर्जाएं आपकी सांसों के माध्यम से आपके शरीर में प्रवेश कर रही है, और जैसे जैसे सांसों को बाहर छोड़ रहे हैं, महसूस करें कि आपके अंदर की सारी नकारात्मक ऊर्जा आपकी सांसों के माध्यम से आपके शरीर से बाहर निकलती जा रही है, बाहर निकलती जा रही है, बाहर निकलती जा रही है।